Om Vishnu Padaya Vishnu Krishnaya Bhutale Shivane Shivanta Saraswati Viname Srivatsavanavi Devi Naitaya Kripakvai Krishna Samundavi Yadavadaye Prabhupe Nama Madhurjo Jala Primantra Sri Rupanava Bhaktida Sri Bhurdana Sati Rahaya Namaskati Namaskati Bhurvani Sri Vatraya Dhinatarika Rupanava Bhaktaya Parsika Nishka Bhantamani Namadvayamsaya Satsang Viranga Amartaya Vipralambada Sambhode Padambhode Dhinam Nama Bhakti Vinadaya Satchinaya Gora Sakti Sarvaya Rupanava Bhaktaya Gora Virbhava Bhumistam Nitrishna Sarjana Priya Krishna Sarvabho Sishanam Sahi Bhima Panchaka Bhagavasya Kripa Sindhu Bhaktaya Adhidanam Pavani Vyo Vishnu Panchatatmatmakam Krishna Bhaktarapa Sarupakam Bhaktavataran Bhaktaksham Namo Mahabhadanaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namane Kuru Tishye Nama Ye Krishna Kuna Sindhu Nina Vanda Jagatpati Kupesha Bhutita Tanta Vana Kapta Namastade Tapta Kanchana Gurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Adipi Mahabhava Sarupatam Krishna Priya Variyashi Prema Bhakti Pradidevi Sriyadike Tamadamaham Jaitam Srata Pangaramamanta Materagati Matsar Vashta Padam Bhojo Sriyana Vatamamaham Divadvindaranam Kalpaturumajava Srimatratnagara Sanasanishtu Vishirada Shilabhavindare Kari Prasthalipi Sarabhana Swarami Nāyānam namaskritam naranjaiva narattamam devin sarasatyam jasana satajāya madare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityānanda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Guru Bhakta Vinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh,
हरि हरि बोल। शरण प्रणाम देना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना करके मुझको अपना लेना ज्यादा इसको कर दिया करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसा जगाओ तो आ मेरी नाव भमर डोले उसे पार लगा देना सागर हो भक्ति के सहारे हो मेरे मन में समाए हो जब प्राण से प्यारे हो प्राणों से प्यारे हो नित्य माला जपो तेरी नहीं तो सब भुला देना गुरुचरणों का दास नहीं नाथ भुला न मुझे इस जग में अकेला हूँ जग में अकेला
गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदे गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे छोटे माई ना इसको छोटे माई हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे सनातन सनातन को बुला दो सनातन को बुला दो सनातन बोला आरती करे हरे राम बोला आरती करना चल चल राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्ण, सब खड़े हो जाओ, ठाकुर जी आरती हो, गाओ भागवत भगवान की आरती, उसके बाद में जय जय राधा कृष्ण जुगल मंदिर। श्री महाप्रभु भगवान की आरती, भागवत कर दो, भागवत भगवान, वो माता जी को बुला दो, आरती पापियों को पाप से तारती, पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला, अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला, ए अमर ग्रंथ, तुम हट जाओ वहां से, उधर हो जाओ, उधर हो जाओ, नव ज्योति जगाने वाला श्री राम घन श्याम श्री हरि श्याम जगम श्री भागवत भगवान की आज उनको दे दो, माता जी उसको लो, उनको दे दो, सुख करणीय दुख करणी, वो माता जी को दे दो, वो माता जी को दे दो, सच भगवान की आरती आपसे बदना उज्वला
थाली थाली लिया उन्होंने थाली ने गिन दिया थाली ने कभी गिन दिया हरे कृष्ण ऊपर गए कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 आप लोग सब मेरे पीछे पीछे बोलो बोलो ओम स्वस्ति न गोविंद स्वस्ति न अच्युतानंद स्वस्ति न वासुदेव विष्णुर् दधातु स्वस्ति न वैनतेयो हरिः स्वस्ति न अंजनासुत हनुर्भागवत दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेश महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वर दधातु लाभस्तेषां जयस्तेषां उतस्तेषां पराभव जयसाम इंद्रवरसाम हृदयस्तो जनार्दन माधव माधव वाची माधव माधव हृदि स्मरती साधवा सर्वे सर्वकार्येषु माधवम श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद तमादिदेव करुणानिदान तमालवर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखा अमृत द्रव संयुत पीबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले श्री श्रीमद्भागवत कथामृतम की बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की बोले श्री परीक्षित महाराज की बोले श्री गिरिराज महाराज की अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की समागत गौर भक्त वृंद की जय गौर ब्रह्मानंद। हाँ देखो ये जो भागवत ग्रंथ है ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब होता है जिस वृक्ष को नीचे बैठ करके आप जो कुछ मांगोगे ये भागवत सारी इच्छाओं को पूरी कर देता है। इसलिए पद्म पुराण में बताया जिनको संतान नहीं उन्हें संतान देता है, जो दुखी है उसे सुखी करता है, जिसकी निर्धन है उसका धनी बनाता है, जो रोगी है उसको निरोग बनाता है। मतलब ऐसे कोई काम नहीं जो कि भागवत नहीं दे सकता है। इसलिए भागवत ये कल्प वृक्ष कहते ये वस्तु को तो ये आसानी से दे देता है दुनियादारी,
लेकिन जो सबसे जो बड़ा वस्तु है भगवत प्रेम, भगवान की भक्ति और भगवत प्राप्ति, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ कराती है। इसलिए आपका हृदय में भक्ति की भावना बढ़े। और माता जी क्या नाम है? मंजू पारिक। इन्होंने, इनका परिवार लोगों ने, इनके बेटा श्री गोपाल और इनका पूर्वजों को कल्याण के लिए, उनका की आत्मा की शांति के लिए हैं ये भागवत कथा रखवा रही हैं। जैसे उनको यहाँ पर आए, ये लोग यहाँ बैठ करके 7 दिन तक कथा सुने और कथा सुन करके इनको भगवत चरण में प्रेम और इनको भगवत प्राप्ति हो, इनको आत्मा को शांति मिले। इसलिए आप लोग ये भागवत ऊपर में जो पुष्प है, ये भागवत ऊपर में आप लोग पुष्पांजलि प्रदान कर। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, बोले श्री परीक्षित महाराज की, बोले श्री सुत गोस्वामी की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सुंदर गोपाल प्रभु, सुंदर गोपाल कहाँ या है? ऊपर गए। हरे कृष्ण, आप लोग सब बैठ जाओ। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरां धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलंबितभुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्यै क्षिप्तासि कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छय गोसाई करी चरण वंदन। जहा हैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं श्रुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहि भागवतं स्वरूपं। जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहका तर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तुस्मि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को चरण में मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही बढ़िया दिन है, अच्छा दिन है। आज हम सबके सब श्री जयपुर में और श्री गोविंद देव का श्री चरण में बैठ करके, जहाँ पर केवल गोविंद देव नहीं श्री गोपीनाथ भी यहीं पर है, श्री राधा दामोदर भी यहीं पर है, राधा विनोद भी इधर है और श्री राधा माधव भी इधर है और सारे ठाकुर जी श्री जयपुर में उनकी श्री चरण में हम बैठ करके आज हमें ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। बोले एक जन्म नहीं, जब करोड़ों जन्म का कोई सौभाग्य उदय होता है तभी ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का जीव को सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए गुरुदेव ये बात को स्वयं कहते थे, बोले जगत में ऐसे कुछ काम हैं, अगर हमारे पास में पैसा की बल हो, जिस काम को हम पैसा की बल पर कर सकते हैं, जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में मन बल हो, जो काम का मन का बल पर कर सकते हैं, जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में आत्मा बल हो, जो काम को हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा सुनना और ये भागवत कथा रखना, न तो कोई पैसा की बल पर रख सकता है, न तो कोई जन बल पर रख सकता है, न तो कोई मन की बल पर, न तो कोई आत्मा बल पर। कर जब तक श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की और गुरु जी की कृपा बल नहीं हो, कहती है भागवत कथा कोई रख भी नहीं सकते और ये कथा को कोई सुन नहीं सकते। क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये भागवत कथा की इतना महिमा, कहती ये श्रीमद् भागवत कथा नहीं, कहती ये स्वयं बल तेन अयंग वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। इसलिए जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे वहीं पर श्री उद्धव जी भी थे। उद्धव जी ने कहा पर प्रभु आप तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो, हम तो सारा जीवन एक साथ में रहे, अभी मैं किसका चरण को आश्रय ग्रहण करें। कृष्ण स्वयं कहते उद्धव मैं तो एक स्वरूप से इसी जगत से जा रहा हूँ, लेकिन इसी जगत में मैं दूसरे स्वरूप में भी रह रहा हूँ। बोले प्रभु आप किस स्वरूप में आप ये जगत में रहोगे। कृष्ण स्वयं कहते उद्धव ये जो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये श्री भागवत ग्रंथ रूप में ये जगत में मैं रहूँगा। इसलिए भगवान के आठ स्वरूप बताया है। कितना स्वरूप बताया, कल मैं सबको पूछूंगा, सवेर जब क्लास होगा ना सबको मैं पूछूंगा क्या क्या कथा सुने थे, क्योंकि एक बार कथा सुनो ना आप भी कहीं कथा सुन सकते हो। इसलिए कल सबको खड़े करेंगे कौन क्या क्या, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठना, कल सबसे सुनूंगा, ठीक है। इसलिए कहते ये भागवत का ये आठ स्वरूप है, भगवान कलयुग में ये आठ स्वरूप में विद्यमान है। बोले क्या क्या स्वरूप है, कि जैसे हम श्री गोविंद देव को दर्शन करते हैं ये किस में बने, कहते शिला से बने हुए। कभी कभी ठाकुर जी अष्ट धातु में भी ठाकुर जी का मूर्ति होता है, कभी कभी आप देखना मिट्टी में भी ठाकुर जी का बनाते हैं, कभी कभी लकड़ी में भी ठाकुर जी का बनाते हैं, कभी कभी आप देखना चित्र में ठाकुर जी की चित्र में भी होता है, हैं, कभी कभी अपना मन में भी हम ठाकुर जी को याद करते हैं और कभी कभी तरह तरह से। लेकिन कृष्ण स्वयं कहते हैं ये कलयुग में जीव कल्याण के लिए मैं किस रूप में विद्यमान हो,
बोले ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये जो अक्षरात्मक सब रूप है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे जो हरे कृष्ण ये जो अक्षर है, ये अक्षर रूप में ठाकुर जी कलयुग में बोले तेन अयंग बांग, बांग मतलब बाणी, ये जो शब्द है, इसलिए ये शब्द रूप में ये कलयुग में जीव कल्याणार्थे ठाकुर जी स्वयं ये भागवत ग्रंथ रूप में विद्यमान, इसलिए कहते हैं बोले तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजा महे भागवतम स्वरूपम। अगर ये भवसागर से कोई पार होना चाहते हैं, सबसे सरल उपाय क्या कलयुग में, बोले ये श्रीमद् भागवत कथा को सुना। इसलिए जब श्री परीक्षित महाराज को ऋषि ने, श्रमिक ऋषि ने जब अभिशाप श्रृंगी ऋषि ने दिए, तब सुखदेव गोस्वामी क्या बोले, बोले तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कोई ज्ञान कोई ध्यान कोई तपस्या दान पुण्य कुछ भी तुम्हें करने का जरूरत नहीं, केवल बैठो यहाँ पर बैठ करके ये भागवत कथा को केवल सुना, ये बहुत बड़ा साधन है ये कथा को सुनना है। ये कथा सुनते सुनते जब तक तुमको ये अनुभूति नहीं हुए, जब ये भवसागर से पार होकर के श्री ठाकुर जी की चरण को मैं प्राप्त नहीं कर लिया, सुखदेव गोस्वामी कहते मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जब परीक्षित महाराज को जब तक्षक दर्शन करने के लिए आए, वो पहले से ही छोड़कर चले गए थे, पहले से ही हैं। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं वो पहले से ही उनको गोलोक वृंदावन से विमान आया और राधा रानी की एक मंजरी एक सखी रूप धारण करते हुए पहले से ही गोलोक वृंदावन वो चले गए थे। बाद में ये तक्षक ने उनको बाद में ये दंशन करते हैं, इसलिए कहते तमादि देवम करुणा निदानम, भगवान कलयुग में बड़े कृपा करके कहते ये भागवत ग्रंथ रूप में जगत में प्रकाशित हुए है। इसलिए हमारे पद्म पुराण में कहते हैं पादौ जदियौ प्रथम द्वितीयौ तुर्जौ कथित तत्वरु, इसमें जो द्वादश स्कंद है ये भगवान की द्वादश, जब बच्चे बैठे ना सब, कल आप सबको मैं पूछूंगा ये भागवत का महिमा, इसलिए सब कल बोलना ठीक है ना, आप जो बैठे हो सबके सब देखूंगा कौन कितनी याद किया है, क्योंकि एक बार कथा सुना ना पूरा भागवत, अब भी एक दिन सुखदेव गोस्वामी बन जाओगे भागवत कथा का, इसलिए अच्छे तरह से याद करना और अच्छे तरह से बोलना, काफी कोई पन का है पूजा करने, इसलिए हाँ इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, कहते ये जो द्वादश स्कंद है, कहते ये द्वादश स्कंद नहीं, ये भगवान का द्वादश अंग है। ये जो प्रथम जो द्वितीय स्कंद है ये ठाकुर का दो चरण है, जो तृतीय जो चतुर्थ स्कंद है कहते ये ठाकुर का दो जंघा है, जो पंचम स्कंद है ठाकुर जी की नाभि कमल, जो षष्ठ स्कंद है भगवान की बख्य स्थल, सप्तम जो अष्टम स्कंद कहते उनकी दो भुजाएं हैं, जो नवम स्कंद भगवान की कंठ, जो दसम स्कंद ये गोविंद देव का ये मुखार बिंद है, जो एकादश स्कंद ठाकुर जी का ललाट और जो द्वादश स्कंद भगवान का सर। इसलिए कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ नहीं, ये कृष्ण स्वयं ये राधा गोविंद स्वयं ये कलयुग में ये भागवत ग्रंथ रूप में जगत में आए, इसलिए भागवत कथा सुनना और भगवान से मिलना कोई अलग बात नहीं। हम कथा नहीं सुन रहे हैं, साक्षात भगवान को साथ में हमारी साक्षात्कार हो रही है, और जहाँ ये भगवत कथा होना ये गोविंद देव भी वहाँ पर आकर कथाओं को, गोविंद देव भी स्वयं कथा सुनते हैं। देखो ये गोविंद देव का कथा है, बोले एक कथाकार कोई अच्छे कथाकार होते थे, ये हर साल एक बार आकर के ये गोविंद देव को सामने कथा सुनाते थे। एक साल उन्होंने कथा की
जब उन्हें दूसरा साल आए कथा सुनाने के लिए, तब भक्तों से पूछा, ये बताओ मैंने पिछले साल मैंने जो कथा सुनाया था मैंने कहाँ तक ये कथा को विश्राम दिया था, उसको बाद से पहले कथा सुनाऊंगा। आज जो खाते ना कल याद नहीं रहता है, और वो एक साल की बात बताए, एक साल की बात में वो सब कैसे तो भूल गए, सब कैसे एक वो दूसरे मुंह देख रहे हैं, हमारे तो याद नहीं। इतने में वो जो कथावाचक थे ना बोले, लगता है तुम लोग कोई कथा ध्यान से नहीं सुनते हो, मैंने क्या सुनाया तुम लोग को एकदम याद नहीं, शायद कोई यहाँ कथा ठीक से नहीं सुनता हो। ये गोविंद देव का मंदिर से आवाज आई, भले महाराज जी आप कैसे कह रहे हो कोई कथा नहीं सुनता है, मैं सुनता हूँ ना। ये गोविंद देव स्वयं कहते हैं कथा मैं सुनता हूँ ना, यहाँ बैठे बैठे करके आपने कथा यहाँ तक की थी, इसको बाद से फिर ये कथा प्रारंभ होगी। गोविंद देव स्वयं है अपना कथा को, यद्यपि हम सबसे कथा सुनते हैं लेकिन भगवत कथा की सबसे बड़ा श्रोता कौन है, ये ठाकुर जी स्वयं सबसे ये बड़ा श्रोता है। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। हर जोर से बोलो, बोले श्री गोविंद भगवान की जय। हाँ, इसलिए कहते ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये ग्रंथ नहीं, बोले तमादि देवम करुणा निदानम, कहते ये कृष्ण से, जैसे कृष्ण कौन है बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, जैसे कृष्ण समस्त कारणों का मूल कारण है बोले तमादि देवम करुणा निदानम, कहते उसी तरह ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ भी जितने सारे ग्रंथों में ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्री भागवत। उदाहरण देते हैं, जैसे कोई जब राजा चलते हैं, जैसे उनको ऊपर कोई छत्र धारण करते हैं, कोई चामर व्यंजन करते हैं, कोई पानी की झरी लेकर चलता है, कोई उनके लिए हैं अलग अलग, उसी तरह जब ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ चलते हैं, स्कंद पुराण पद्म पुराण, कोई उनकी सर्प छत्री, कोई उनके लिए चामर, कोई कोई व्यंजन लेकर के श्री भागवत को जय जयकार करते हुए भागवत को पीछे ये सब के सब चलते हैं। इसलिए कहते अपार संसार समुद्र से तुम, कदी जो संसार का जो सागर है इसका तो कोई आर पार है, लेकिन जब भगवान से हम बिछोड़ करके ये संसार रूपी जो समुद्र में पड़े हुए इसका कोई आर पार नहीं। इससे उद्धार होना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर कोई उद्धार होना चाहते हैं उसको क्या करनी चाहिए, कहते केवल ये भागवत कथा सुना बस। कथा सुनते 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 पता नहीं कब अब लोग हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, गोविंद देव की श्री चरण में हम सब के सब पहुँच जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये जो श्रीमद् भागवत कथा है बड़ा भाग्यशालियों को ये कथाओं को जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कहते जन्म जन्मांतर का जब कोई सौभाग्य उदय होता है तथा भागवतम प्राप्तम, तभी ये भागवत कथा सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस अतः पिबंतु सद्भाग्य, कहते कथा को कौन सुन सकते हैं बोले सद्भाग्यवान भाग्यवान सुन सकते हैं। कहते कथा की इतने महिमा है बोले ये स्वर्गे, कहते स्वर्ग लोक में भी स्वर्ग में जन्म ग्रहण करने पर भी ये देवताओं का नसीब में भी ये कथा सुनने को नहीं मिलता है। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी ये कथा बोलने जा रहे थे, अब लोग कितना दूर से आए हो, कोई 1 किलोमीटर कोई 10 किलोमीटर कोई 5 किलोमीटर इतना दूर से तो आए होंगे ना, 350 किलोमीटर। इसलिए ये कह रहे हैं हम 350 बड़ोते से हम आए हैं, लेकिन यहाँ से स्वर्ग कितना दूर है और ब्रह्मलोक कितना दूर, कैलाश वैकुंठ कितना दूर, कहते वहाँ से भी कथा सुनने के लिए ब्रह्मा शंकर गरुड़ जी वहाँ से भी कथा सुनने के लिए आते हैं, वहाँ से करोड़ों मील दूर से कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए हम जिन जिन देवताओं को घर में ये इंद्र चंद्र वायु वरुण जितने जितने देवताओं को हम घर में पूजा करते हैं,
अगर कहीं कथा हो ना, जब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, सारे देवता स्वर्ग से खाली हाथ से नहीं आए, उन्होंने खाली हाथ से नहीं आई, क्या लेकर के आई? अमृत कलश को लेकर के आई। बोले हे सुखदेव गोस्वामी, आप ये परीक्षित को क्यों कथा सुनाने जा रहे हो? इनको श्रृंगेरी ने अभिशाप दिया ना, सप्तम दिवस में इनको तक्षक, इसलिए कथा सुनाने जा रहे ना। बोले हाँ, बोले हम स्वर्ग से ये अमृत कलश लाए, लो ये पूरा के पूरा ये अमृत कलश ले लो, आप परीक्षित को पिला देना, वो अमर हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या करो, ये भागवत कथा हमें सुना दो। कदे तथा देवा जहा ससा, उनको उन्होंने खदेड़ दिया, उनको उन्होंने भगा दिया, उनको देवताओं को। बोले कथा नहीं सुन सकते हो, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, मतलब को सिद्ध करना जानते हो। कहते को कथा को मणिर महान, उन्होंने उदाहरण दिया, अगर कोई व्यक्ति टूटे फूटे कांच लेकर के आए, बोले लो ये कांच के टुकड़े ले लो, और तुम्हारे पास में जो मणि है वो मणि हमें दे दो, अब दोगे? बोलो अब दे दोगे? इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं, ये कथा क्या है, कहती ये मणि सदृश है, लेकिन ये स्वर्ग का अमृत क्या है, ये टूटा फूटा हुआ है कि क्या है, एक कांच है। कहाँ एक कांच को तुम एक मणि को साथ में उदाहरण दे रहे हो? तो यहाँ पर प्रश्न होता है, भैया ये स्वर्ग का अमृत का क्या कोई महत्व नहीं है? इस स्वर्ग का अमृत का क्या कोई मूल्य नहीं? बोले नहीं, सब तो जितने देवता लोग किस लिए जाते हैं स्वर्ग में, अमृत पीने के लिए जाते हैं ना, और ये अमृत को प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान को भी चार चार अवतार लेना पड़ा था। कितना अवतार, क्या क्या अवतार लेना पड़ा था बोलो? पहला अवतार जब समुद्र मंथन करने के लिए गए अमृत का लोभ से, जब पर्वत ला रहे थे ना, मंदराचल पर्वत को रई वासुकी नाग को रज्जु बनाए, जब ला रहे थे मंदराचल पर्वत को, बीच में गिरा तो कितने दैत्य देवता पिस गए। फिर ठाकुर जी को पास में गए, बोले प्रभु हमसे पर्वत नहीं जा पा रहा है। ठाकुर जी हरि अवतार लेकर के गरुड़ को पीठ ऊपर रख करके उन्होंने लाए रखे, ये भगवान का हरि अवतार हो गया। मैं कल पूछूंगा कौन क्या सुन रहे हो, भगवान का कितना अवतार लेना पड़ा, इसलिए मतलब ये कथा के कितने महत्व है, हैं? दूसरा अवतार जब मंथन शुरुआत हुई, फिर मंदराचल पर्वत धीरे धीरे नीचे जाने लगा, फिर ठाकुर जी को प्रार्थना किया, भगवान फिर कुर्म अवतार लिया, अपना पीठ के ऊपर उन्होंने पर्वत को धारण किया, कितना हो गया? दो हो गया। फिर जब मंथन हुई, फिर धन्वंतरी भगवान के एक अवतार, फिर तीसरा अवतार लेकर के धन्वंतरी ने अमृत कलश लेकर के उठा, कितना हो गया? तीन। जब दैत्यों ने छीन लिया, फिर ठाकुर ने मोहिन अवतार लिया, है मोहिन अवतार लेकर के अमृत को उन्होंने बांटा, कितना अवतार हो गया? देखो ये अमृत भी कोई साधारण वस्तु नहीं, जिनके लिए देवता दैत्य इतने परिश्रम किया, और ठाकुर को भी चार चार अवतार लेना पड़ गया ठाकुर जी को, लेकिन इतने कीमती चीज को भी सुखदेव गोस्वामी भगा दिए वहां से, कथा नहीं सुन सकते हो, क्योंकि कथा क्या है, ये कथा स्वयं गोविंद देव है, ये कथा स्वयं, ये गोविंद देव स्वयं कथा रूप में आई, और तुम भगवान को साथ में ये साधारण अमृत को तुम बराबर करना चाह रहे हो, भगा दिया वहां से। इसका तात्पर्य है, जो ये भागवत कथा सुनते हैं, कहते ये देवता से भी ज्यादा ये सौभाग्यवान है जो ये भागवत कथा को श्रवण करते हैं। एक बार जयकार दो, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। इसलिए कहते भैया ये कथा, बोले स्वर्ग में भी नहीं, क्योंकि जो स्वर्ग जो अमृत है, देखो ध्यान दे सुनो, स्वर्ग अमृत पीने से क्या होता है बोलो? तुम्हारी पुण्य खत्म होगा, जितना दिन के लिए तुम स्वर्ग में गए हो अमृत पियोगे तो क्या होगा तुम्हारी, लेकिन कथा अमृत से क्या होगा, पुण्य बढ़ेगी, पुण्य नहीं सुकृति, भगवान की भक्ति बढ़ेगी। स्वर्ग अमृत पीने से एक तो परमायु खाए होता है, और इसको तो परमायु बढ़ता है, दूसरा स्वर्ग अमृत पीने से तुम्हारी परमायु बढ़ सकते हैं, लेकिन तुमको दिव्य, तुम्हारी जो दिव्यामृत है प्रभु का प्रेम तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन स्वर्गामृत पीने से पुण्य खत्म होते फिर यहाँ पर आओगे, लेकिन भगवत कथा सुनने से क्या होगा? कृष्ण कहते जत गत्वा न निवर्तन्ते
तद्धाम परम मम, जहाँ जाने से जीव कभी वहाँ से पतन नहीं होता है भगवत कथा पान करने से। इसलिए कहते सबसे देवता में बड़े कौन है, इंद्र है, इंद्र सबसे बड़े हैं स्वर्ग में, लेकिन ये इंद्र भी कभी कभी अभिशाप से पता नहीं कितने निकृष्ट जोनि में कभी कभी इंद्र भी गया है। जो पान करके इसको पान करने से तुम्हारे अंदर उन्मत्ता बढ़ता है, अभिमान बढ़ता है, लेकिन कथामृत पीने से तृणादपि सुनिचे न तररपि सहिष्णुना अमानीनांग मान देना कीर्तनीय सदाहरि। भगवत कथा पान कर से अंदर में दीन हीन भाव आती है। इसलिए कहते भैया कथा स्वर्ग में भी नहीं, बोले स्वर्ग की बात छोड़ दो, बोले ये कथा ब्रह्मलोक में भी कथा नहीं है। इसलिए अगर कहीं भागवत कथा हो स्वर्ग सत्य लोक जहाँ पर पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं, भैया वहाँ पर भी ये भागवत कथा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, बोले कथा है तो बेधे भवन बिहाई, कथा है तो बे, सब पीछे पीछे ताली बजाते बजाते, आ कथा है तो बेधे भवन बिहाई, कथा है तो बेधे भवन बिहाई, सुनी बत सारद आबत धाई, सुनी बत सारद आबत धाई, कथा है तुझे ताली बजाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौरंग जय निताई गौरंग, निताई गौरंग जय निताई गौरंग, जय सच्चिदानंद जय गौरहरि, जय सच्चिदानंद जय गौरहरि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बोला हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे में
जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले ये श्रीमद् भागवत कथा स्वर्ग में भी नहीं और कहाँ पर नहीं, बोले ये ब्रह्मलोक में भी नहीं। अगर कहीं कथा तो ब्रह्मा अकेले नहीं, अपना ब्रह्माणी को साथ में लेकर के कथा सुनने के लिए आते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते ये ब्रह्मलोक की बात छोड़ दो, कहते कैलाश से जहाँ शंकर पार्वती रहते हैं, कहते भैया ये कैलाश में भी ये रस नहीं है। इसलिए आपको पता होगा ये भागवत का एक नाम अमर कथा। इसका नाम अमर कथा क्यों पढ़ा, शंकर जी ये पार्वती को ये अमरनाथ में, ये अमर कथा उन्होंने अमरनाथ में सुनाई है। तो उन्होंने शंकर जी ये अमरनाथ में ये अमर कथा क्यों सुना, इसका क्या रहस्य है। बोले एक दिन श्री नारद जी आए, उन्होंने कैलाश में आए, शंकर जी सत्संग में गए हुए थे। आपको पता होगा हम कभी कभी कहते ना, तू क्या नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब क्या है, क्या तुम झगड़ा लगाना चाह रहे हो, नारद जी का जगत में बड़ा बदनामी है, हाँ कहीं अगर लड़ाई का काम हो क्या तुम नारद जी का काम करते हो। लेकिन ऐसे बात नहीं, नारद इनका नाम नारद है, नारद मतलब क्या, नर मतलब होता है रस और द मतलब सबको जो रस देने वाले। ये नारद नहीं होते ना, ये कृष्ण लीला भी नहीं होता, ये शंकर, ये उन्होंने जाकर के कंस को उन्होंने ही जाकर भड़काया था, उन्होंने कंस को उन्होंने जाकर के भड़काया था है, तब ये कृष्ण लीला हुआ है। रामलीला भी ये नारद जी का कारण से रामलीला हुआ है। सब जितना लीला देखोगे हर लीला में श्री नारद जी, क्योंकि यही सबको रस देने वाले श्री नारद जी, भगवान की ये परम भक्त श्री नारद जी। जब कभी की नारद जी आए, मैया ने उनको बड़ी स्वागत की, तो इतने में श्री नारद जी कहते हैं, बोले माता जी आपको बार में एक बात सोच करके ना मेरे को बड़ा कष्ट होता है। बोले किस बात की, बोले बोल कर क्या होगा, बात छोड़ो बोल कर क्या होगा, अगर माताओं को कोई आधी बात बोलते ना फिर पेट में नहीं पसती है, जब तो पूरी बात को ये सुनी नहीं देती, पीछे तो बढ़ के बोले बताओ ना क्या बात, बोले बोल कर क्या होगा छोड़ो, बोले नहीं बता बात क्या है। बोले आपको बताए शंकर जी आपको जो प्रेम करते हैं ना वो ऊपर ऊपर से प्रेम करते हैं, लेकिन और भी उनको कोई प्रेमिका है आपको जो प्रेम करने वाले। देखो माताओं को हर बात सहन कर सकते हैं, लेकिन पता चले हमारा पति और किसको प्रेम करते हैं ना, ये कभी स्त्रियां सहन नहीं कर सकते। बोले क्या बात बता रहे हो, बोले हम तो सच बता रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोलता हूँ। बोले प्रमाण क्या, बोले प्रमाण ये है आज जब शंकर जी आएंगे एक बात करियो। बोले क्या है, बोले आप जाकर के मान भवन में लेट जाना। पहले राजा लोग घर में एक मान भवन भी होता था, अब लोग रामायण सुने कि नहीं, कई कई जब चली गई मान भवन में, अगर रानी अगर मान भवन में चले जाए ना फिर राजा को पता चलता रानी मान की है, पहले उसके लिए स्पेशल भवन होता था। बोले आप मान भवन में जाकर के हाँ अपना महिला वस्त्र पहन करके सो जाना और उनको एक प्रश्न करना। बोले क्या है, बोले आपकी गले में ये मुंडे की माला किसकी, बात इतना बात पूछ लेना सारे बात पता चले जाएगा। देखो सुखदेव गोस्वामी हाँ हाँ कर रहे, इसलिए कहते इनको आपको सारे बात पता चल जाएगा। बस नारद जी तो वहाँ से उनको भड़काए और नारद जी वहाँ से चले गए। जब चले गए और इतने में शंकर जी जब सत्संग आते थे, मैया पार्वती आरती उतारा करती थी, उनकी चरणामृत लेती थी, लेकिन आज कोई स्वागत करने के लिए कोई है ही नहीं। बोले ये क्या बात है, आकर के पूछे, बोले क्या बात, माता जी कहाँ, बोले पता नहीं श्री नारद जी आए थे, पता नहीं क्या बोल कर गए और तब से माता जी मान भवन में चली गई। वो समझ गए ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर गए नारद जी। जब शंकर जी गए पार्वती के ऊपर हाथ रखे ना, पार्वती तो हाथ को फेंक दी। बोले भैया क्या बात है, बोले आप तो और किसको प्रेम करते हो, आप जिससे प्रेम करते हो वहीं पर चले जाओ। बोले भैया क्या बात है, हाँ बोले नारद जी आए थे ना, बोले नारद जी वो तो आए थे तभी तो मेरे को पता चला। बोले तो यही मैं सोच रहा हूँ, जब मैं आज आ रहा था नारद जी बड़े जल्दी जा रहे थे, मैंने बोला नारद जी थोड़ा रुक जाओ, नारद बोले नहीं आज मेरे पास में कोई जरूरी काम है, मैं तो समझ गया था कुछ गड़बड़ी करके गए हैं। बोले इसका प्रमाण क्या, बोले आप बताओ आपको गले में जो मुंडे की माला किसकी है, ये मुंडे की माला आप क्यों धारण कर रखे हो, है किसकी। बोले ये तुम्हारी, बोले मेरी कैसे,
मेरे सर तो मेरे शरीर में अब गले में कैसे आ गया। बोले पार्वती तुम पूर्व जन्म में सती थी, एक जन्म नहीं तुमने कितने जन्म तुमने प्राप्त की है, लेकिन तुमने तुम्हारी पिता जब मेरे को कभी अपमान की थी तुमने कनखल में अपना शरीर त्याग दिया, इसलिए जब जब तुम शरीर त्याग देती हो तब तक मैंने तुम्हारी मुंडों को अपना गले में माला रूप में मैं धारण कर लेता हूँ। बोले शंकर जी पार्वती बोली प्रभु मैं तो सोच रही थी अब छोटी मोटी कोई कपटी हो गई, मैं देखता हूँ अब तो बहुत बड़ी कपटी निकले। बोले कैसे? बोले आप ये बताओ ऐसे कौन सा अमर बुट्टी को आप पान करके रखे हो, आप मर ही नहीं रहे हो, मैं मरती जा रहा हूँ, मैं मरती जा रही हूँ, अब ऐसे कौन सा अमर बुट्टी को पान किए हो। बोले मैंने जब से ये श्रीमद भागवत कथा रूपी ये अमर बुट्टी को मैंने पान की तब से मैंने अमरत्व की प्राप्त की। तब पार्वती कहती प्रभु मुझे भी ये अमर कथा सुना दो, फिर हम दोनों अमर बन जाएंगे, फिर हम दोनों प्रेम पूर्वक रहेंगे, मैं मरती जा रही हूँ आप मर नहीं रहे हो। बोले ये कथा को सब नहीं सुन सकते। बोले मैं तो सुन सकती ना। बोले हाँ तुम्हारी अंदर में श्रद्धा भक्ति है तुम सुन सकती। बोले सुनाओ। बोले यहाँ नहीं चलो मैं तुमको मैं अमरनाथ लेकर के जाऊँगा, वहीं पर बट वृक्ष को नीचे वहीं पर कथा सुनाऊंगा। बोले देखो पार्वती जब मैं कथा सुनाऊंगा आंख बंद करके सुनाऊंगा और तुम हुंकार भरते रहना, मेरे को पता चले कम से कम तुम कथा सुन रहे हो। शंकर जी बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। उन्होंने जयकार दे करके उन्होंने कथा को प्रारंभ की। प्रारंभ करते करते प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय कथा सुनाते जा रहे थे। माता पार्वती कथा सुनती जा रही थी, हुंकार भरते जा रही थी, लेकिन करते 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 बीच में माता सो गई। जब सो गई कहते उसी वृक्ष के ऊपर में भगवत इच्छा से एक ये तोता भी है, ये तोता भी बैठ करके वहाँ भी ये कथा सुन रहा था। लेकिन देखा जब माता जी ने सो गई, अभी तोता ने देखा माता तो सो गई, हुंकार भरना बंद हो गया, भोले बाबा तो कथा सुनाना बंद कर देंगे, कथा मेरी भी अधूरी रह जाएगी। इतने में वो तोता भी हुंकार भरने लग गया। बोले आगे बोलो बड़ी प्यारी कथा, उसको बाद में क्या हुआ। शंकर तो भोले बाबा सुनाते 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 जा रहे थे, लेकिन जब कथा विश्राम हो गई ना उनने फिर जयकार दिया। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। देखो बीच बीच में हम भी जयकार देते हैं है? जब उन्होंने जयकार दिया ना माताजी की नींद खुल गई है, क्योंकि आप देखना कोई दूसरी की बुराई हो ना चुगली हो कान खड़ा हो जाती है, लेकिन अगर कोई ठाकुर जी कथा सुनाओ ना, हमारे भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं झूमे झूमे तलाश वाली सी। बोले भैया नींद आ रही है तकिया लाओ नींद आ रही है तकिया लाओ, क्योंकि जो भगवत कथा में ना वो सभी लोग कथा को नहीं सुन सकते हैं, कोई पुण्यात्मा कोई हाँ विशेष आत्मा ये भगवत कथा को वो कथा को सुन सकती हैं। कि देखो माता पार्वती को भी यहाँ पर नींद आ गई माता पार्वती को हैं, इसलिए जब उन्होंने हुंकार भर रहे थे शंकर जब जयकार दिए मैया की नींद खुल गई। बोले उसको बाद में क्या हुआ। बोले किसको बाद में। बोले उसको बाद में। बोले किसको बाद में, कथा तो पूरी हो गई। बोले नहीं मैं तो सो गई थी। बोले कैसे सो गई थी, अभी तो बीच बीच में हुंकार भर रही थी। बोले मैं तो सो गई थी। शंकर जी ने देखा फिर ये कथा को सुनी की, क्योंकि जो कथा का एक नाम अमर कथा, जो कथा सुनेगा वो अमरत्व को प्राप्त करेगा। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अगर कथा सुन ले, देखो भागवत में आगे जाकर के सुनेंगे जब भगवान कपिल देव अपना माँ को इस सारे ज्ञान की बात बताए, लास्ट में कहते बोले माँ न अभक्ताय कदाचन। गीता में भी कृष्ण अर्जुन को भी यही बात बताई। बोले कल अर्जुन ये जो ज्ञान मैंने दिया है सबको नहीं सुनाना, जिसके अंदर में भक्ति और श्रद्धा हो उसको ही केवल सुनाना है। हर जगह में मना की गई है ये कथा सुनाने को, सबको सुनाने के लिए मना की गई। इसलिए शंकर जी सोच रहे हैं ये कथा तो अमर कथा है, जो सुनेगा वो अमरत्व को प्राप्त करेगा। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अगर कथा सुन करके अमरत्व को प्राप्त करेगा ये जगत के लिए हानिकारक है। इसलिए शंकर जी इधर उधर देखे, सुना किसने, देखा उसी वृक्ष के ऊपर में
पेड़ के आड़ में बैठी करके ये श्री सुख पखी ये कथा सुन रहा था। शंकर जी को तो बड़ा क्रोध आया, तुमने छुप करके ये ब्रह्म ज्ञान को तुमने चोरी की। देखो ये नियम होता है, ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, बोले सामने नहीं बैठेंगे हम, छुप करके सुनेंगे, हैं हमें छुप करके नहीं, ये ज्ञान को सीधा बैठ करके हाँ प्रेम भक्ति पूर्वक सामने बैठ करके ये ज्ञान को आहरण करनी चाहिए। इसलिए हमारे जो बड़े गुरुजी कहते थे, हमारे बड़े गुरुजी कहते थे, देखो जब कथा सुनते समय आगे बैठो, पीछे मत बैठना, क्योंकि जो कथा करते हैं उनको वाणी की माध्यम से बात चक्षु के माध्यम से एक दिव्य ज्ञान निकलती है, एक दिव्य ज्ञान प्रस्फुटित होता है। वो जब सामने बैठ करके उस चीज को सुने, गुरु जी कहते थे उसको ऊपर में डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। नहीं तो पीछे बैठ करके अगर कोई आ करके जब गुरुदेव कथा करते थे पीछे बैठ जाए, बोले पीछे नहीं आगे बैठो, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान वो कोई साधारण ज्ञान नहीं, ये कोई पुस्तक का ज्ञान नहीं है। हाँ ये कोई पुस्तक अभी ऑनलाइन में बच्चों को पढ़ा रहे ना ऑनलाइन में, लेकिन पढ़ाई क्या सही पढ़ाई हो रही बताओ? ऑनलाइन में पढ़ाने पर भी पढ़ाई क्या सही हो रही? नहीं हो रही। देखो साधारण ज्ञान है तब ये ऑनलाइन में ठीक ठीक से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, ये तो ब्रह्म ज्ञान ये तो दिव्य ज्ञान है। इसलिए जो रिकॉर्डिंग करके सुनते हैं ठीक है, नहीं से कुछ हुए, लेकिन ये पूर्ण रूप में ये काम देने वाले नहीं। गुरुदेव मना करते थे ये ज्ञान को सामने बैठ करके शब्द ब्रह्म रूप में जब किसको ऊपर में दृष्टि पड़ता है वो ज्ञान पूर्ण ग्रहण करते हैं। इसलिए शंकर जी ने देखा किसने ये छुप करके ज्ञान किसने सुना है, देखा तोते को, शंकर जी उठाया त्रिशूल और उसको मारने के लिए दौड़ पड़ी। इतने में तोता अपना जी जान को लेकर भागे और जहां जाए शंकर जी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे उड़ते उड़ते जब बद्रीनाथ में गए वहां पर श्री व्यास देव अपना पत्नी बिटका को भी यही ब्रह्म ज्ञान यही भागवत कथा उनको भी सुना रहे थे। वहां पर माता जी ऐसे जैसे हम सुनते ना कभी ऐसे मुंह करके सुनते ना एकदम प्रेम से, उसी समय में वो भी बड़े प्रेम से कथाओं को सुन रही थी। इतने में श्री सुखपखी गया, सुखम रूप धारण करते हुए उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। इतने में शंकर जी देखा तोता तो यहीं उड़ते उड़ते आया, लेकिन गायब कहाँ से हो गया। व्यास देव जी पूछे, बोले भोले बाबा अब कहाँ से भागते भागते आ रहे हो, सरा शरीर से पसीना पसीना बह रहा है। बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या अनर्थ हो गया? बोले ये भागवत कथा ये अमर कथा एक तोता ने सुन लिया। बोले आप पीछा क्यों कर रहे हो? बोले मारने के लिए। बोले ये अमर कथा का मतलब क्या? बोले जो सुनेगा वो मरेगा नहीं। बोले सचमुच से आप भोले ही हो, हैं? आप स्वयं कहते हो ये कथा अमर कथा है, जो सुनेगा मरेगा नहीं। बताइए तोता कथा सुनी कि नहीं? बोले हम कथा सुनी। बोले जब सुन लिया आप तो स्वयं कहते ही अमर कथा, फिर उसको मारने के लिए पीछा कैसे कर रहे हो? शंकर जी बोले अभी तक तो मेरे ध्यान आई नहीं, ये तो बात सही बात है। फिर शंकर जी ने देखा अगर ये तोता कोई साधारण होता तो ये कभी भी सात सात दिन तक बैठे करके कभी कथा नहीं सुन सकता, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लभ्यम, ये भागवत कथा को सभी नहीं सुन सकते हैं। कहते करोड़ों करोड़ जन्म का कोई पुण्य उदय हो तभी ये कथा को कोई सुन सकते हैं। अगर ये कोई साधारण तोता होता तो ये कभी भी कथा नहीं सुन सकता। फिर ये कथा सुनी कैसे? शंकर जी ध्यान लगाए, जब ध्यान लगाए ना अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब कुछ देख लिया। उन्होंने क्या देखा? तब हमारी गोस्वामी लोग कहते हैं बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेन एकांतकनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। क्या देखा? बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, ये राधा रानी का प्रिय सुख है। राधा रानी जिसको हाथ में बैठा करके अनार की दाना खिलाया करती थी, बोलती थी बोलो तो कृष्ण कृष्ण, ये सुख बड़ा मीठी मीठी बोली से बोलता था कृष्ण कृष्ण, हैं? कभी श्याम सुंदर का हाथ में जाए ना, कभी श्याम सुंदर बोलते तो बोलता राधे राधे। ये तोता भी बड़े मीठी मीठी बोली से बोलती थी राधे राधे, हैं? अब कभी कभी श्री किशोरी जी
राधा रानी कभी कभी ये सूप को कृष्ण रूप मान करके कभी कभी उनको चुम्बन करते थे। चुम्बन करने पर राधा जी की जो अधरा मृत है इसकी थोंट में ये राधा जी की अधरा मृत लगा हुआ। इसलिए हम आगे सुनेंगे जब वहां पर 88,000 ऋषि लोग थे, जब श्री परीक्षित महाराज प्रश्न किया है, कोई 100 साल के, कोई 200 साल के, कोई 5,000 साल के ऋषि मुनि जटा जुटधारी बड़े बड़े, लेकिन कथा सुने तो किसे सुने, सबसे छोटे बालक से सुने, छोटे बालक से सुने, जो नंगे धड़ंगे शरीर में कपड़े नहीं हैं, इतने छोटे बालक है, सबसे छोटे वहां पर थे उम्र के, लेकिन सुने तो क्यों इनसे सुने, कारण है क्या? बोले कारण है ये प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया। तब इनकी कथा हमारे गुरु जी कथा सुनाते थे, बोले एक दिन क्या हुआ, ये तोता कभी एक दिन राधा रानी के हाथ से उड़ते हुए उड़ते 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 ये तोता चला गया नंदगांव, बरसाना से नंदगांव चला गया और जा करके एक टहनिया के ऊपर बैठ करके बड़े सुंदर 4 लाइन की हैं दुराभजन वर्तिना, बड़ा सुंदर श्लोक है, 4 लाइन का एक सुंदर श्लोक को उच्चारण कर रहा था और बड़े मीठी मीठी बोली से राधा रानी की गुणगान गा रहा था। बोले राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम सब पीछे पीछे बोलो राधे राधे, का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, दूध के धार से आवाज आई राधे राधे, दूध के धार से आवाज आई राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम गोकुल में बोले राधे, मधुबन में बोले राधे, गोकुल में बोले राधे, गोकुल में बोले राधे, मधुबन में बोले राधे, गोकुल में बोले राधे, जमुना के धार से आवाज आई राधे राधे, जमुना के धार से आवाज आई राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, तारा के छाया से आवाज आई राधे राधे, तारों के छाया से आवाज आई राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम सरजू भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, सरजू भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, सरजू बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, सरजू भी बोले राधे,
यमुना के धार दया भाई जाए राधे 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 का नाम अनमोल बोल राधे 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 का नाम अनमोल बोल श्यामा का नाम अनमोल बोल राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोल राधे 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 का नाम अनमोल बोल राधे 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 का नाम अनमोल बोल राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोल राधे राधे श्यामा का नाम अनमोल बोल राधे 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 का नाम अनमोल बोल राधे 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 का नाम अनमोल बोल राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम। इतने में अभी श्याम सुंदर के कानों में ये चार लाइन का एक श्लोक जो पढ़ा, बोले भैया इतना सुंदर मिट्टी गला में कौन, इतना सुंदर राधा रानी का नाम कौन ले रहा है। देखा एक तोता बैठ करके ये श्लोक उच्चारण कर रहा था। इतने में कृष्ण उसको बुलाया, बुलाया तो तोता उड़ते हुए कृष्ण के हाथ में बैठ गया। बोले बोलो तो अभी क्या बोल रहा था। फिर वो तोता ने वो फिर वो चार लाइन का एक श्लोक को बोला। बोले बाबा रे, एक तोता होकर के ये संस्कृत श्लोक, और जो श्लोक का मीनिंग ये था, राधा रानी कह रही है कृष्ण विरह में मेरी जो प्रेम है वो दुर्लभ श्री गोविंद देव से हो गया है, लेकिन वो गोविंद देव साधारण है नहीं है, कहाँ परम पुरुष परात्पर पर तत्व है, लेकिन वो परम पुरुष गोविंद देव में तो प्रेम हो गया, लेकिन अभी गोविंद देव को मैं कैसे प्राप्त कैसे करूँ। इसलिए ये विरह में ये राधा रानी ये श्लोक को बोल रही थी। और वो तोता विचक्षण तोता, मतलब बड़ा चतुर तोता, उसने एक बार राधा जी के मुँह से वो श्लोक को सुनकर ना पूरा श्लोक उसने रट लिया। जब उसने कृष्ण को बोला, बोले बाबा इतना सुंदर श्लोक, एक तोता वगैरह बोलता है, उनके लिए सोने का पिंजरा बनवाए और उसका अंदर में वो तोते को रख लिए। अभी राधा रानी देखा मेरे तोता कहाँ चला गया। उन्होंने एक सखी जिसका नाम था माधुरी का, बोले ढूंढो तो मेरी तोता कहाँ है। अभी वो तोता को ढूंढते ढूंढते जब नंदगांव में आया ना, देखा श्याम सुंदर उसको अपना हाथों में बैठा करके अनार की दाना उसको खिला रहे और उनको राधा रानी के नाम को पाठ पढ़ा रहे थे। इतने में वो सखी ने कहा, श्याम सुंदर ये तोता हमारी किशोरी जी को तोता है, ये पालता तोता दे दो, बड़ी दुखी है। बोले अगर तुम्हारी ये किशोर जी की पालतू तोता है, तुम इसको बुलाओ, अगर मेरे हाथ से उड़ते हुए अगर तुम्हारे हाथ में चले जाए फिर मैं समझूंगा भैया तोता तुम्हारी, वो ले लेना, पालतू तोता तो अपने आप आ जाता है। बोले जगत में ऐसे कौन व्यक्ति हो, तुम्हारा नाम कृष्ण है ना, क्या नाम है कृष्ण, कृष्ण मतलब क्या है, क्री मतलब होता है सबको जो आकर्षण करते हैं, स्ना मतलब जो सबको आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। बोले जब ये बताओ जगत में इसे कौन सा व्यक्ति हो जो कि एक बार तुम्हारे हाथ में बैठ जाए, हैं बैठ करके जो तुम जिसको लाड प्यार करो और अपना हाथों से इतना प्रेम से उसका अनार की दाना खिलाओ, वो कभी तुम्हें छोड़ सकता है कभी। फिर कृष्ण बोले फिर तो जाओ, तोता मेरा है, तुम जाओ अपना काम करो। उसने गया मैया जसोदा के पास, बोले मैया हमारी किशोरी जी की तोता उड़ते हुए आ गया और श्याम सुंदर ने पकड़ दिया, देना नहीं चाह रहे, इसलिए राधा रानी बड़ी दुखी। तब मैया बोली देखो ये काम करो, तुम चले जाओ, कृष्ण जब गोचारण करने जाएंगे पीछे से तोता को मैं भेज दूंगी। अभी कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जा रहे थे ना, बोले मैया ये तोता को मैं साथ में लेकर चलूंगा। बोले पागल, दिन भर पक्षियों के साथ में खेलता रहता है, जैसे मार डांट लगाती है ना, दिन भर चिड़िया के साथ में कोई काम धाम नहीं। अरे जंगल में तुम घूमते रहोगे, वहां पर धूप होगा, कोई मर जाए क्या तोता, ये तोता को लेकर दिन भर चिड़िया के साथ में खेलता रहता। एक झपट मारकर तोते को छीन लिया। छीन करके कृष्ण जब चले गए ना, फिर कृष्ण मैया ने क्या किया, उस तोते को पीछे से उन्होंने श्री किशोर जी को साथ में भेज दिया। इसलिए जैसे श्री भगवान राम जब आए थे संकेत धाम से, जैसे श्री हनुमंत लाल को लेकर के आए, लेकिन जाते समय तो पूरा अयोध्या वासियों को लेकर गए, लेकिन केवल हनुमान को छोड़ कर गए। बोले क्यों, बोले हनुमान अगर तू चला जाओगे तो मेरी भक्ति जगत में कौन प्रचार करेगा। उसी तरह जो तोता है ये गोलोक वृंदावन से श्री
किशोर जी अपना तोता को लेकर के वो गोलोक वृंदावन से आई थी, इसलिए हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते उनकी तीन तोताएं थी। कितना तोताएं थी, कौन कौन? कहते एक सुभा है और एक नाम मंजूभासी और एक विचक्षण तोता, इसलिए उनकी तीन तोता थी। अलग अलग समय पर अलग अलग काम करती है। कभी कृष्णा जब राधा जी के पास में, राधा कृष्ण जी के पास में कोई मैसेज भेजे ना, ये तोते सब मैसेज देने वाले। और कुछ तोता होता जो आकाश में उड़ता रहता था, सारे मैसेज कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, कौन सा कुंजे में गए, क्या कर रहे हैं, ये सब तोता सब राधा रानी के पास में सारी खबर देने वाले सब तोते थे। सब अलग अलग सब काम करते थे हैं। इसलिए जब कृष्ण ये जगत छोड़ करके जाने के लिए तैयारी हुए, तोता भी जाने के लिए तैयारी हुआ। बोले प्रभु मेरे को भी ले चलो। कृष्ण बोले तोता अगर तू चले जाओगे मेरी कथा को जगत में कौन प्रचार प्रसार करेगा, इसलिए तुम रहो और मेरी कथा को प्रचार करो। जब श्री प्रिया प्रियतम चले गए इनकी विरह में, ये तोता बड़ा व्याकुल हो गया। अभी मैंने कहाँ जाऊँ, जब तक ये जगत में ठाकुर जी थे तब तक तो इनका लीला दर्शन किया, अभी तो ठाकुर जी चले गए, अभी मैं लीला दर्शन कैसे करूँगा। ये भी बड़ा दुखी होकर के भटकते भटकते जब अमरनाथ में पहुंचा, देखा वही श्री ठाकुर जी की कथा, वहाँ पर भी ये ठाकुर जी की कथा हो रही थी। वो तोता ने कथा सुनी, फिर उन्होंने श्री व्यास देव का पत्नी की गर्भ में प्रवेश करते हुए वही फिर श्री सुखदेव गोस्वामी बन करके आते ही और जगत में ये भागवत कथा को प्रचार करते। शंकर जी अपना ध्यान में सारे चीज को देख लिया, फिर तो समझ गए इनको कथा सुनाना सार्थकता हो गया। क्यों? ये कथा को जगत में, भविष्यत में, दुनिया में ये कथा को प्रचार करेगा। शंकर जी ये चीज को जान करके परिक्रमा की और प्रणाम करते हुए श्री शंकर जी चले गए। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए कहते ये जो कथा है ये स्वर्ग लोक में भी नहीं, ये कथा ब्रह्म लोक में भी नहीं, कहते ये कथा कैलाश लोक में भी नहीं, कहते कैलाश की बात छोड़ दो, कहते वैकुंठ नास्ते अमरसा, कहते ये कथा वैकुंठ में भी नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बले गाया ओ गरुड़ जहाँ बस ए भोसोड़ा, हम लोग पीछे पीछे बोल रहे आ गया वो गरुड़ जहाँ बस ए भोसोड़ा, गया वो गरुड़ जहाँ बस ए भोसोड़ा, राम चरण सती अखंड राम चरणी जो भागवत कथा है ना रस युक्त है। और ये भागवत का सार क्या है? भागवत का सार ठाकुर का नाम है। जब सुखदेव गोस्वामी पहला श्लोक उच्चारण किया है वो भगवान का नाम से शुरू किया है। जब उन्होंने ये कथा को विश्राम दिया वो लास्ट में ठाकुर का नाम द्वारा विश्राम दिया, जो अंतिम में विश्राम देते हैं वो ठाकुर का नाम से। मतलब क्या, अगर हमने ये भागवत कथा सुन ली, सुन करके अगर ठाकुर का नाम में तुम्हारी रुचि हो गई, समझना कथा सार्थक कथा है। अगर हमने पूरी भागवत कथा सुन ली पूरी की पूरी, लेकिन ठाकुर का नाम में, भगवान का नाम में तुम्हारी रुचि नहीं, बोले भैया कथा सुनना नहीं सुना तुम्हारा बराबर है, वो कथा तुमने सुनी नहीं। इसलिए अगर भागवत को मंथन करो ना, मंथन से क्या निकलेगा, ठाकुर का नाम ही निकलेगा। इसलिए कलिजुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतर ही पर भागवत का। इसलिए हम बीच बीच में ठाकुर का कीर्तन कर लेते हैं, क्योंकि कथा के सार भगवान की नाम ही। प्रभु का नाम अगर ले लिया, देखो जीवन में जो कुछ कर करो, लेकिन अंतिम समय जब आएगा चार व्यक्ति जब कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, यही बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है।
हाँ सत्य बोलो गत्य है, सबके बात झूठा है। बेटा जितने भगवान का नाम लिया तो वही जा रहा है, सब तूने जो कुछ किया झूठे में तूने बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ यहाँ से नहीं जा रही। इसलिए हम बीच बीच में ठाकुर का कीर्तन कर देते हैं, कीर्तन करने से बोरपन खत्म हो जाती है और भागवत का जो सार, जो प्रभु का नाम है ना, उसका फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए सबके सब मीठी मीठी ताली बजाते हुए पीछे पीछे कीर्तन करो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, लाल की। हाँ देखो ये कथा की कितना दुर्लभत्व है, अभी देवताओं को कथा सुनने के लिए देवलोक को त्याग देना पड़ा, ब्रह्मा ब्रह्मानी को कथा सुनने के लिए उनको ब्रह्म लोक त्याग देना पड़ा, शंकर पार्वती को कथा सुनने के लिए उनको कैलाश छोड़ना पड़ा, कभी गरुड़ जी को कथा सुनने के लिए वैकुंठ छोड़ना पड़ा। अब देखो हम लोग कितने सौभाग्यवान, ये चीज को समझो, ये जयपुर के जो वासी लोग है, आप बताओ कथा सुनने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ा, बोलो कोई घर बार छोड़े हो, छोड़े ही नहीं। ये कथा रूपी गंगा स्वयं वृंदावन से ठाकुर जी की चरण से बहते बहते अपने आप हमारे घर को सामने आ गई और हम घर में बैठ बैठ कर क्या किया, कथा रूपी गंगा में स्नान कर लिया। इसका तात्पर्य हम बड़े सौभाग्यवान हैं। दूसरी चीज सीखा, देखो ये बात स्वयं शंकर जी पार्वती को कह रहे हैं, बोले पार्वती ये जब से मैंने ये अमर कथा सुनी है तब से मैंने अमरत्व को प्राप्त किया। फिर पार्वती बोली, बोले मेरे को भी सुनाओ। फिर उन्होंने क्या किया, उनको लेकर के अमरनाथ में सुनाया। देखो कथा सुनने पहले
ये पार्वती स्वयं कहती हैं, कभी कथा सुनने से पहले उन्होंने भी उनको कितना बार शरीर को उनको भी छोड़ना पड़ा शरीर को, ये पार्वती को जगदम्बा जगत जननी। लेकिन जब से पार्वती ये अमर कथा का जब पार्वती ये कथा सुनी तब से उन्होंने ये शरीर फिर उन्होंने छोड़ना नहीं पड़ा। इसका तात्पर्य यह है अगर हम भी ये कथा सुनेंगे ना हम भी एक दिन अमरत्व को प्राप्त करेंगे। देखो परीक्षित महाराज अमर हो गए कि नहीं बताओ, परीक्षित महाराज अमरत्व को प्राप्त किया कि नहीं। इसलिए जिन्होंने ये कथा को सुनी है ना जगत में ये सब के सब जगत में अमरत्व को प्राप्त करते, सब के सब भगवत धाम को प्राप्त किए। अगर हम भी अगर ये भागवत कथा रूपी अमर कथा को अगर हम भी सुनेंगे एक दिन हम भी अमरत्व को प्राप्त करते हुए ठाकुर जी की श्री चरण को प्राप्त करेंगे। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत कथा कहते इसकी जो महिमा ये दो पुराण में आती है, कहते एक पद्म पुराण में और एक स्कंद पुराण में, ये दो पुराण में भागवत की महिमा आई। हाँ देखो ध्यान से सुनो, कहते भैया ये भागवत की महिमा क्यों बताई गई। अब बैठो भैया, इसको कुछ बोलने का जरूरत नहीं, आप बैठो। इसलिए फिर ये भागवत की ये महिमा क्यों सुनाई गई, क्योंकि ये भागवत कौन है, ये साक्षात गोविंद देव ही, ये जीव कल्याण के लिए ये गोविंद देव स्वयं ये भागवत रूप में स्वयं ठाकुर जी आए। जब ठाकुर जी आए फिर ये भागवत की महिमा की क्या जरूरत है, ये चीज को समझो। क्या देखो हम लोग बद्ध जीव, विशेषकर कलिजु का जीव है ना, सबसे पहले हम फायदा ढूंढते हैं। कोई भी काम करो सबसे पहले वहां जाने से हमारे कुछ लाभ होगा कि नहीं, सबसे पहले अपना लाभ की बात हम सोचते हैं, क्योंकि हम कलिजु का जीव है। हम लोग दो दो घंटा या तीन तीन घंटा चार चार घंटा बैठेंगे, हमारा कुछ फायदा होगा कि नहीं, कुछ कमाई फमाई होगी कि नहीं, हमारे लाभ पाप हमारा, क्यों कलिजुग का जीव है ना, बगैर फायदा से कोई काम हम करते ही नहीं। इसलिए जब तक हम किस चीज़ का महिमा को नहीं समझते ना तब तक उसका हम कुछ करते नहीं। महिमा अगर पता चले भैया ये कथा सुनने से, इसलिए भागवत में क्या बताया, जो रोगी उनको निरोगत्व प्राप्त होगा, जिनको संतान नहीं, हमने स्वयं देखा एक माता जी की 25 साल से संतान नहीं हो रही थी, उन्होंने ऐसे क्या काम नहीं किया जो उसने किया किया नहीं, सारा दुनिया की काम कर दी, लेकिन उसको जब सुना ये भागवत कल्प वृक्ष है, वो नोएडा की एक माता जी, उन्होंने नियम से उन्होंने कथा सुनी सुनी तो उनको जिसमें कुछ भी जो काम नहीं हुआ ये भागवत कथा सुनकर उसके बेटा हुआ है, अब उसका एक बेटा जन्म हुआ है। ऐसे नहीं, मैंने कितने लोगों को देखा है जिसकी धंधा फंदा बंद हो गई, काम धंधा, भागवत सुना तो उसको काम चले गया दोबारा है। इसलिए जो दुखी वो सुखी प्राप्त करता है, ऐसे कोई बात चीज नहीं जो भागवत सुनने से जीव को प्राप्त नहीं होता है। क्यों, ये भागवत ये कल्प वृक्ष है। लेकिन कथा को कैसे सुननी चाहिए, बोले कथा को सुननी चाहिए नियम से, बेनियम से नहीं। सुनने का पहला नियम क्या, बोले पहला नियम बताए 7 दिन तक बिना खाए पिए कथा सुनो। बोले भैया भूखे ना भजन हो कपाला, ले ले तेरी कंठी माला। आप कहते 7 दिन तक बिना खाए, भैया हम तो सुन नहीं सकते। बोले अगर ऐसे नहीं सुन सकते हो एक काम कर सकते हो, 7 दिन तक बोले घी पी कर कथा सुनो। बोले भैया घी 1 किलो पता नहीं कितना 5,000 रुपया, फिर पेट पतला हो जाएगा, बैठ नहीं सकते, घी तो पी कर हम कर नहीं सकते। बोले अगर ऐसे नहीं सुन सकते हो फलाहार करते हुए कथा को सुनो। बोले फलाहार तो ये ठीक ठाक है, फलाहार तो कर सकते हैं। बोले अगर कोई भैया फल भी खा करके 7 दिन तक रहे ना मेरे लिए कठिन, बोले एक काम करो एक टाइम बढ़िया से भोजन कर लो और एक टाइम फलाहार कर लो, ये सबसे बेस्ट बताया। एक टाइम भोजन करो और एक टाइम फला, ये सबसे बेस्ट है ये कर लो। अगर भैया इसमें भी अगर किसी को कष्ट होता है ना, बोले जितना बार भोजन करना करो कोई बात नहीं, जितना बार भोजन करना करो, लेकिन ये कथा को ठीक से, ये कथा को मन देकर कथा को सुना है। अगर नियम से ब्रह्मचर्य पालन करते हुए साधारण बिस्तरा को लेट करके झूठ नहीं बोले, किसी को साथ में लड़ाई झगड़ा मत करो नहीं करते हुए नियम पूर्वक अगर कोई 7 दिन तक सुनेगा, कहती भागवत रूपी कल्प वृक्ष उसकी सारी इच्छाओं को ये पूरी कर देता है भागवत है। इसलिए भागवत में ये राधा रानी स्वयं ये बात को कहती हैं, अगर कोई भागवत कथा सुनेगा तो उसको 7 फायदा होगा।
कितना फायदा होगा? क्या किया? देखो ये राधा रानी जब कृष्ण रास से अंतर ध्यान हो गए, जब गोपियाँ कृष्ण को ढूंढते ढूंढते मिले ही नहीं, तब ये राधा रानी गोपियाँ ये जमुना किनारे में बैठी करके उन्होंने कृष्ण की कीर्तन किए। कीर्तन करते करते उसमें एक श्लोक है, क्या कहते हैं? बोले तब कथा मृतम ताप्त जीवना क्या। राधा रानी कह रही है कथा सुनने का पहला लाभ है तब कथा अमृतम, जो सुनेगा वो अमृत को प्राप्त करेगा। जैसे परीक्षित महाराज को अमरत्व की प्राप्त हुई तब कथा अमृतम। दूसरा लाभ तप्त जीवनम। संसार में हम सबके सब दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी दुखी, सुखी राम का दास। इसी जगत में सब दुखी है, लेकिन कहते कोई कथा सुनेगा ना, कहते तप्त जीवनम, तुम्हारा जो उत्तप्त जो जीवन है वो सारे उत्तप्त जीवन तुम्हारी समाप्त तो हो जाएगा, है समाप्त तो हो जाएगा। इसलिए देखो अभी अभी आप लोग अनुभूति करो। देखो हम सभी संसार में किसी ना किसी तरह से दुखी है, लेकिन आप स्वयं देख लेना, यहाँ जैसे 2-3 घंटा बैठोगे ना, अभी कोई संसार का बात तुम्हारी याद है? होता सब तो दुखी, कोई दुख का घर की बात तुम्हारी कोई याद आ रही है क्या? नहीं आ रही। क्यों? ये कथा जो सुनते हैं ये कथा नहीं, ये ठाकुर का गोद है। अब कथा कथा में नहीं बैठे हो, ठाकुर जी गोद में बैठे हो, बांके बिहारी गोद में बैठे हो। इसलिए तप्त जीवनम। तीसरा बोले कभी भी रीडितम। ये कथा को गान करने वाले कौन है? इसका नाम भागवतम। भागवतम मतलब क्या है? बोले भगवत प्रोक्तम इति भागवतम। कहते ये सबसे पहले भगवान के मुखारविंद से भगवान चतुश्लोकी रूप में उन्होंने ब्रह्मा जी को दिए है, ब्रह्मा जी फिर उन्होंने नारद जी को दिए, नारद जी फिर व्यास देव को दिए, व्यास देव श्री सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव श्री परीक्षित, फिर परीक्षित उन्होंने ऐसे ये परंपरा से। लेकिन सबसे पहले कथा किसने निकली? ठाकुर जी से निकली। इसलिए कथा को गान करने वाले कौन? बोले बड़े बड़े कवि लोग जिसको गान करते हैं। बोले कलमस अपम। कलमस मतलब होता है पाप, दुख कष्ट का कारण क्या है? बोले हमारी पूर्व जन्म का कलमस पाप है। लेकिन हम कहते ना चलो गंगा नहा करके पाप को दूर करके आते हैं, चलो वहाँ पर पाप दूर करके आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पाप किस में खत्म होते हैं? बोले भगवान की कथा में, ठाकुर कथा में ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएगा। बोले कलमस आप हम। बोले श्रवण मंगल। कथा सुनते ही कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। भगवान कथा सुनोगे तो जीवन का सारे अमंगल दूर हो जाएगा, जीवन में मंगल मंगल होगा। बोले श्री, श्री मतलब सौंदर्य, श्री मतलब शोभा, श्री मतलब धन, श्री मतलब ऐश्वर्य, श्री मतलब संपदा। कथा सुनने से जीवन में सब कुछ तुमको प्राप्त होगा। और दा मतलब होता है संसार का जो बंधन है, कथा सुनने से माया की बंधन तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इसलिए बोले जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कोई दान देते हैं, लेकिन ये राधा रानी कहती हैं जगत में सबसे बड़ा दान क्या है? बोले जो भगवान की कथा को दान करते हैं, इससे बड़ा दान जगत में कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा दान जो ये भागवत कथा को जो दान कर रहे हैं। इसलिए माता जी का नाम क्या है? क्या? मंजू। हाँ, इसलिए इन्होंने जो ये भागवत कथा दान किया ना, समझो ये सबसे बड़ा दान इन्होंने ये भागवत कथा दान कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए इनकी लाभ फायदा ही फायदा। इसलिए भागवत बोलने से पहले इसलिए उन्होंने भागवत की महिमा को बताई, क्योंकि जो जीव है
जब तक इसकी महिमा को नहीं सुनता है ना, तब तक उसमें उसका प्रीति नहीं होता है। इसलिए उन्होंने ये पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दो पुराण में उसकी महिमा गाई। और एक चीज को समझो अच्छे तरह से, ध्यान देकर सुनो। एक व्यक्ति का जैसे महिमा जस कब होता है, जब कोई व्यक्ति जन्म ले, जब कोई अच्छे काम करते हैं फिर उसका महिमा होता है। देखो अमुक व्यक्ति आया था, हमने क्या काम करके गया, कितना जस करके। जब व्यक्ति कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसको बाद में उसका महिमा होता है। लेकिन ये जो भागवत कब हुआ है हम सुनेंगे, जब श्री व्यास देव ने सारे ग्रंथों को उन्हें रचना कर डाले तब भी उनको मन को शांति नहीं मिली। जब श्री नारद जी आ करके कारण क्या बताते हैं, तुम्हें शांति मिली नहीं क्यों, जब बोले लास्ट में ये भागवत ग्रंथ लास्ट में रचना की, उसको पहले उन्होंने सत्तर पुराण को लिख चुके थे, लेकिन सत्तर पुराण में ये पद्म पुराण स्कंद पुराण आते हैं, भागवत तो लास्ट रचना की। भैया जब लास्ट रचना की अरे भागवत रचना हुई नहीं, उसको पहले फिर ये स्कंद पुराण की महिमा कैसे आ गई, ये स्कंद पुराण में भागवत की महिमा कैसे फिर आ गई, ये प्रश्न समझ गए कि नहीं, प्रश्न समझ गए कि नहीं, प्रश्न पहले कैसे आ गई। हाँ, इसका तात्पर्य यह है, ये जो भागवत ग्रंथ है ना, ये मत समझो व्यासदेव ने लिखे नहीं, ये ग्रंथ नित्य है, ये ग्रंथ नित्य है। जैसे कहते ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब जब ये पृथ्वी के ऊपर में गो पृथ्वी साधु हैं, स्त्री को ऊपर अत्याचार होता है, तब तक मैंने जगत में जन्म लेकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ, संतों को रक्षा करता हूँ। उसी तरह जैसे कभी जैसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, मतलब क्या कृष्ण पहले थे नहीं, ये गीता में कृष्ण खुद कह रहे ना अर्जुन को, अर्जुन ये मत समझो ये गीता अभी मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूँ, भविष्यत मन धर्म में मैंने ये गीता ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया था, पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था फिर तुम्हें वही ज्ञान देता हूँ, ये मत समझो कृष्ण द्वापर युग में आए और रामचंद्र तृतीया युग में आए, ये मत समझो। प्रभु का जो लीला है, जितना लीला ठाकुर का, सबके सब नित्य है। ठाकुर जी अपना गोलोक वृंदावन में सांकेत में नित्य रहते हैं, लेकिन जब जब अधर्म होता है, दुष्टों के ऊपर में दुष्ट अत्याचार करते हैं, संतों के ऊपर अत्याचार होता है, ठाकुर जी अप्रपंचात प्रपंच अवतरणमिति अवतार, ठाकुर जी वो अपना दिव्य धाम से ठाकुर जी इस जगत में आते हैं, लेकिन ठाकुर का लीला नित्य, अपना धाम में ठाकुर जी नित्य लीला विलास करते। उसी तरह ये जो भागवत ग्रंथ नित्य है, इसलिए ये व्यास देव का समाधि ग्रंथ है, इन्होंने लिखे नहीं, उन्होंने जब भक्ति योग को द्वारा समाधिस्थ हुए पूरा उन्होंने देखा, देख करके उन्होंने लिखा, मतलब ये भागवत नित्य ग्रंथ है। भागवत हैं ये जगत में कल्याण करने जब जरूरत होता है, ये फिर ग्रंथ रूप में ठाकुर जी सारे ग्रंथ अंतर्ध्यान हो जाता है, जो गीता भागवत सारे अंतर्ध्यान हो जाते, फिर जब जरूरत होता है ना फिर ये गोलोक वृंदावन से दोबारा जगत में आते हैं, आकर के हमें ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसलिए कहते ये नित्य ग्रंथ है। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय जय श्री राधे। इसलिए कहते ये हम आज थोड़ी सी स्कंद पुराण की कथा सुनते हैं। कहते ये स्कंद पुराण में बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम नमः। जब ये मंगलाचरण में भगवान को प्रणाम करते हैं, किसको प्रणाम करते हैं, बोले श्री कृष्णाय भयम नमः, बोले केवल कृष्ण को नहीं, कृष्ण को साथ में श्री श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, राधा रानी को साथ में कृष्ण को प्रणाम करते हैं। इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, देखना किसी को भी कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कोई नहीं मिलते हैं, किसके नाम लेते हैं, राधे राधे, हर जोर से बोला राधे राधे, पीछे वाले कोई बोल नहीं रहे, राधे राधे। इसलिए वृंदावन में श्री सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, क्योंकि राधा के बगैर कृष्ण आधा।
इसलिए कहते जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण है बस एक ज्योतिंग दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम। केवल ये राधा कृष्ण दोनों दिखते हैं लेकिन तत्व तो वो एक ही है। उदाहरण दिया जैसे दिया है, हैं दिया में देखना एक तेल एक होता है, दो तरीप में दो बत्ती होता है लेकिन एक तेल से दो बत्ती जलती है। ठीक उसी तरह देखने में ये दो है लेकिन ये दो है नहीं, वो एक ही है लेकिन लीला करने के लिए दो भी है। लेकिन राधा के बगैर कृष्ण आधा, इसलिए राधा और जुगल सर का चरण में प्रणाम करते शरणागति होते हैं। नुमा मतलब होता है उनकी चरण में अहंकार परित्याग पूर्वक उनकी चरण में शरणागति लेना, इसका नाम नुमा। नुमा मतलब होता है शरणागति। इसलिए ठाकुर का चरण में शरणागति है लेने से क्या होता है, कहते भगवान का स्वरूप क्या है, बोले सचिदानंद रूपाय। हमारे शरीर कितने चीज से बने हुए है, हमारे शरीर पांच चीज से बने हुए है, बोले क्षितिज लपा बक गग न समीरा, क्षितिज लपा बक गग न समीरा, क्षितिज लपा बक गग न समीरा, क्षितिज लपा बक गग न समीरा। अपंचरचिताया अधम शरीरा, पंचरचिताया अधम शरीरा, क्षिति जलपा बक गग न समीरा, क्षिति जलपा बक गग न समीरा। इसलिए हमारे शरीर ये पांच चीज से बना हुआ, इसलिए अधम, इस शरीर को अधम बताया क्योंकि ये पांच वस्तु अनित्य वस्तु है। लेकिन भगवान का स्वरूप कैसे है, सत चित आनंदमय भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप, भगवान आनंद स्वरूप। और जीव क्या होता है, उनकी अंश है, हम उनकी अंश होने का नाते देखना हर समय हमारे अंदर में छोटे छोटे रूप में उनका सारे गुण है। भगवान सत्य स्वरूप है ये भी हमारे अंदर में, इसलिए ममई बांस जीवलोके जीव भूत सनातन, हम उनके अंश है इसलिए भगवान सत्य स्वरूप, इसलिए हम भी कभी मरना नहीं चाहते। बताओ जगत में कोई मरना चाहते हो, बताओ कौन मरना चाहते हो, मरने का नाम सुनते ही हम सबके से डर जाते हैं। क्यों, भगवान के अंश हमारे अंदर में, भगवान ज्ञान स्वरूप है इसलिए कोई भी मूर्ख बनना नहीं चाहते, सबके सब अच्छे क्वालिफिकेशन पाना चाहते हैं। मूर्ख भी मूर्ख बोल दो ना बिगड़ जाएगा, किसको बोले तेरे दिमाग नहीं, बोले मेरा नहीं ना तेरा नहीं, हाँ क्योंकि, और भगवान आनंद स्वरूप है, जिंदगी भर तो हम आनंद के जिंदगी भर आनंद ही ढूंढते हैं लेकिन जहाँ ढूंढनी चाहिए वहाँ नहीं ढूंढ करके हम गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होता। इसलिए बोले सचिदानंद रूपाय, वो कौन है, बोले विश्व उत्पत्त्यादि है तभी, विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि स्थिति प्रलय का जो कारण है भगवान, इसलिए ताप त्रय विनाशाय। अगर उनके चरण में कोई शरणागत होते हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक ये सारे दुखों का नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को ये कथा सुनाए, कथा की जब विश्राम हुई, इतने में गोलोक वृंदावन से रथ आया और परीक्षित महाराज एक सुंदर गोपी स्वरूप धारण करते हुए रथ में बैठे और भूर भुव मोहजन तप सत्य लोक पार होते हुए जब गए अपना गोलोक वृंदावन, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा, बोले उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, केवल कथा ही तो सुने लेकिन सीधा कहाँ ठाकुर जी के पास में। तब उन्होंने ब्रह्मलोक में एक तराजू लेकर के जगत का जितने सत्कर्म हैं, जगत का जितने सत्कर्म हो सकता है, तराजू का एक तरफ में धर दिए, तराजू का दूसरे तरफ में केवल ये भागवत की महिमा को धरे। जिधर भागवत का महिमा धरे ना, वो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा, दूसरे तरफ में सारे सत्कर्म ऊपर हो गया। इससे पता चला भागवत को सामने इस जगत का कोई भी पुण्य को आप कहीं बराबर नहीं कर सकते हो। इसलिए पितामह ब्रह्मा आदेश दिया, आज से ये ब्रह्म लोक में नित्य निरंतर भागवत कथा होनी चाहिए, क्योंकि उनका बेटा सबके सब महाभागवत, नारद जी, चतुसन, ये सबके सब
वहाँ नित्य निरंतर यहाँ भागवत कथा चलनी चाहिए। कहते ये भागवत कथा को यद्यपि श्री नारद जी सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा जी से सुना था, लेकिन उन्होंने श्री चतुसन से उन्होंने नियम पूर्वक 7 दिन में ये कथा को सुने। तब ये सौनकादि ऋषि लोग कह रहे हैं भैया ये नारद जी कहते ना रमते जोगी बहते पानी, फिर ये नारद जी 7 दिन तक ये कथा क्यों सुने बैठ करके, हैं एक जगह में तो ज्यादा समय ये रुकने वाले व्यक्ति ने, इसका क्या कारण है? इसका कारण बताए, एक दिन श्री नारद जी ये मर्त्य जगत को पुण्य भूमि मान करके उन्होंने ये मर्त्य जगत में आए, लेकिन देखा सब जगह पर कली एकदम अपना प्रभुत्व विस्तार करके बैठा हुआ, जितने हिंदू मंदिरों को मुसलमान ने तोड़ करके वहाँ पर अपना मस्जिद बना दिए, और उन्होंने देखा कली ऐसे कोई स्थान नहीं, कली जहाँ पर नहीं छोड़ा, संतों का आश्रम में देखा कली वहाँ भी प्रवेश किया हुआ, घर गृहस्थ में देखा वहाँ पर भी कली, तीर्थ स्थान में कली किसी को छोड़ा नहीं, सब जगह में अपना प्रभुत्व को विस्तार करते हुए बैठा हुआ। उनने सोचा भैया वृंदावन धाम ठाकुर का स्थान है, एक बार हम वृंदावन जा करके देखते हैं। जब वृंदावन में यमुना किनारे में आए एक आश्चर्य घटना देखा, एक बड़ी एक सुंदरी युवती बैठी हुई, उसका बगल में एकदम दो बूढ़े लेट हुए, किसी तरह से कठिनी से उनको श्वास किसी तरह से श्वास को ले रहे हैं। वहां जब और कुछ सखियां उनको सुंदर सुंदर उनकी सेवा कर रहे थे, जब यमुना किनारे में देखे पहले तो सोचे भैया लगता है वृंदावन धाम कुछ सत्संग होता होगा इतना लोग इकट्ठे, लेकिन जब वहां पर गए ना देखा रोना धोना सबके सब, बोले भैया संतों के रोना धोना से क्या मतलब। नारद जी वहां से भगे तो वो जो सुंदरी एक युवती बैठी हुई थी, बोले भो भो साधु खड़म तिष्ट मत चिंता अपिनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। बोले बाबा थोड़ी सी रुक जाओ, क्योंकि बड़े भाग्य से कोई सत्पुरुष का दर्शन होता है, जब किसी जीवन में किसी सत्पुरुष का दर्शन मिल जाए क्या समझो जीवन का सारे दुख कष्ट उसको समाप्त हो जाता है। इसलिए साधारण भाग्य से कोई साधु पुरुष का जीवन में दर्शन नहीं मिलता है। इसलिए जब हनुमान जी को साथ में विभीषण की साक्षात्कार हुई, जब विभीषण समझा हनुमान जी कौन है राम के सबसे प्यारे भक्त, वो क्या कहते हैं आज मैं भा भरसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुबीर मोहि अनुग्रह किनि तो मई दरस जैठे दिन, लगता है मेरे ऊपर में भगवान की कोई आशीर्वाद है। इसलिए कहते बड़े भाग्य से तो तुम जैसे संतों का दर्शन मिला पर जा रहे हो, थोड़ी रुक जाओ। नारद जी रुक गए, बोले आप कौन हो? बोले आप मेरे को नहीं जानते हो? बोले लगता है तो कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। बोले अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो, भरी मेरे नाम भक्ति है और ये दोर जो दो बेटे हैं ना, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है, लेकिन काल जोगे न जर्जित, लेकिन काल का जोग से दोनों बूढ़े हो गए। बोले ये बूढ़े कैसे हो गए? बोले उत्पर्णे द्रविड़े साहम वृद्धि करना टके गता कोचित कोचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले मेरी जो जन्म है उत्पन्न द्रविड़ देश में मेरी जन्म हुई, लेकिन कर्नाटक में मैंने बड़ी हुई, लेकिन महाराष्ट्र में मेरे को कहीं कहीं आदर मिला, लेकिन जब गुजरात में आई ना एकदम बूढ़ी हो गई। बोले इसका तात्पर्य क्या है? कहते ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में कहीं कहीं तो भक्ति करने वाले लोग मिले, मेरे को आदर मिली, लेकिन मैं जब ये गुजरात में आया ना वो बूढ़ी हो गई। बोले क्यों? बोले बड़े नास्तिक लोग रहते थे गुजरात में, हैं बड़े नास्तिक लोग रहते थे, किसके घर में ठाकुर नहीं, कहीं तुलसी की पौधा नहीं, अगर कोई कंठी तिलक वाले चले गए ना, अगर कोई गले में कंठी धारण किए, बोले भैया तुमने कौन सा पाप किया लकड़ी पहन ली है, अगर कोई तिलक लगा के लिए बगुला किया टाटी कर दिया है, अगर कोई चोटी रखे बोले ये क्या एरियाल तुम्हारी है, हैं कहते जब कोई संत आ जाए ना वहाँ पर, जब तक उसको गुजरात से खदड़ नहीं दे उसको पीछे, हैं खदड़ नहीं देते गुजरात से, तब तक उनका चैन नहीं पड़ता था, इतने नास्तिक लोग थे ये गुजरात में। इसलिए भक्ति देवी कहती हैं
मैं गुजरात में आ करके एकदम बुढ़ी हो गई गुजरात में आ करके। लेकिन अभी अगर आप गुजरात में जाओगे ना, आप देखोगे सबसे ज़्यादा धनी लोग उधर मिलेंगे, ज़्यादा भक्ति करने वाले उधर ही मिलेंगे आपको। हैं, उनको जो परिक्रमा हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा लगती है ना, आप सोच नहीं सकते। गुजरात से परिक्रमा आती है, कम से कम 10,000 लोग तो परिक्रमा में रहते हैं और 40 दिन तक वो परिक्रमा करते हैं। हमारे मंदिर से परिक्रमा जाता है, लेकिन हम बस में, जहाँ दूर बस में कर लेते हैं। वो 40 दिन तक केवल पैदल में चल कर करते परिक्रमा। सबकी गला में तुलसी कंठी तिलक देखोगे, और दिन में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रोज चलते हैं, तभी जाकर 40 दिन में पूरी करते हैं। हैं, और बड़े बड़े धनी घर के सब लोग हैं, बगैर जूते पहनते हुए लठिया लेकर के इतने कष्ट परिक्रमा करते हैं। और अगर गुजरात में अभी जाकर देखोगे, वहाँ पर अगर सबसे बड़े बड़े धनी मानी में देखो ना गुजरात में, कहते ऐसे कैसे हो गया, वो तो नास्तिक देश था। बोले कारण है, वहाँ पर बड़े बड़े साधु लोग जन्म हुए, जैसे हमारे नरसिंह भगत वहीं पर जन्म हुए, श्री वल्लभाचार्य जन्म हुए, तुकाराम, और ये सबके सब बड़े बड़े भक्त लोग वहाँ पर जन्म हो गए। और जहाँ पर एक भक्त जन्म ग्रहण करता है, हमारे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, तहार प्रभाव कोटि जोजन निस्तारे। कहीं अगर एक साधु अगर जन्म हो गया, सही शुद्ध साधु, कहते उनका जितने दूर तक उनका दृष्टि जाती है, सारे पाप खत्म हो जाता है। जब वो हाथ उठाकर नृत्य करते हैं, स्वर्ग में देवताओं को कल्याण होता है। जब उनका चरणस्पर्श ये पृथ्वी को मिलता है, ये पृथ्वी भी अपने आप को धन्य धन्य मानती है। संतों की चरणस्पर्श की इतने लाभ है, इतने लाभ। एक छोटी सी कथा सुनो, संतों का कितना लाभ है। बोले एक जंगल में बहुत सारे भूत लोग रहते थे। एक बार एक संत ने शरीर त्याग दी, तो वो जंगल में उनको देखकर दाह संस्कार किए। जब दाह संस्कार किए, एक भूत किसी कारण से वो बाहर गया हुआ था, लेकिन उसी जंगल में पूरा भूत रहते थे। जब उनका दाह संस्कार किए, उनके शरीर से धुआं उठता है, हैं, धुआं उड़ता है। वो जब धुआं उड़ा, वो जंगल में जितने प्रेत थे ना, वो केवल उनका जो धुआं उड़ा शरीर से, वो उसी से ही सबसे उद्धार हो गए। वो जो भूत जो बाहर गया था, जब घर में आया, देखा उसका परिवार कोई है ही नहीं, सब खत्म। बोले भैया, हमारे परिवार के लोग कहाँ चले गए, ये परिवार के लोग कहाँ गए। वहाँ पर देखा एक संतों का दाह संस्कार की गई, उसका धुआं से उधार हो गई। बोले भैया, मैं अकेला रह गया, मैं अकेला क्या करूँगा। वो जो राख बढ़ा हुआ था ना, वो जो आखिर उसे राख में लौटपट घाने लग गया, और लौटपट गया तो उसको भी उधार हो गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री संत भगवान की, बोले श्री वैष्णव ठाकुर की। इसलिए वहां पर अभी सबके सब बड़े बड़े धनवानी लोग हैं, क्योंकि जहाँ पर भगवान की भक्ति करते हैं ना, ठाकुर को सेवा जहाँ पर होता है, वहीं पर तो लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी वहीं पर आती है, कहाँ पर, जहाँ ठाकुर को सेवा हो। इसलिए बोले आली महे लागे वृंदावन हनी को, 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 महे लागे वृंदावन हनी को, लागे वृंदावन हनी को, सखी महे लागे वृंदावन हनी को, लागे वृंदावन हनी को, सखी महे लागे वृंदावन हनी को, आली महे लागे वृंदावन हनी को, आली लागे वृंदावन हरि को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, 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 ठाकुर पूजा, ठाकुर पूजा, ठाकुर पूजा, ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी
लेकिन जब मैं वृंदावन में आती हूँ, धन्य वृंदावनादिच जत्र जत्र राधा विदामि हम भक्तिर नृत्यची जत्र त वृंदावन धाम, धन्य है जहाँ पर आकर मैं युवती हो गई। बोले क्यों? तो जहाँ पर भक्त देवी नृत्य करती हैं, ये वृंदावन धाम क्या है? कहती है राधा रानी का हृदय ही ये वृंदावन धाम है। इसलिए वृंदावन, वृंद मतलब क्या? भक्त वृंद। अवनी मतलब जो भक्तों को जो आश्रय देने वाली, भक्तों को जो सहारा देती हैं। वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जहाँ तुलसी का वन, वो भी वृंदावन। और जो वृंदा देवी है, मूल वृंदा देवी किसका नाम? श्री राधा रानी का नाम है। ये वृंदावन धाम राधा रानी का धाम है। इन्होंने श्री वृंदा देवी को प्रदान किया, लेकिन असली रूप में वृंदावन की अधीश्वरी श्री राधा रानी। इसलिए कहते यहाँ पर आकर के मैं हो गई जवानी, लेकिन मेरे दोनों ज्ञान वैराग्य दोनों बेटे ये हो गए बूढ़े हो गए। बोले बूढ़े क्यों हो गए? बोले वृंदावन में कोई पूछने वाले है नहीं, इसलिए यहाँ पर आकर के ये बूढ़े हो गए हैं। कहते भक्ति की ये दो बेटे हैं, कौन कौन है? कौन कौन है? देखो इस चीज को अच्छी तरह समझो। कहते भक्ति के बेटे ज्ञान वैराग्य कैसे है? लेकिन हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ये ज्ञान वैराग्य कभी भक्ति अंग नहीं है। ये ज्ञान वैराग्य से ठाकुर नहीं मिलते हैं, लेकिन ये भक्ति कहती हैं। लेकिन मेरे ये दो बेटे हैं। बोले दोनों बेटे कैसे हो गए? बोले ये जो ज्ञान है, कहते एक तत् पदार्थ ज्ञान, एक तम पदार्थ ज्ञान है। एक ये ज्ञान दो तरह का है। एक होता है जो जीव ब्रह्मिक ज्ञान, मतलब है जो कहते हैं हम वही ब्रह्म हैं, वो जो ब्रह्म में लास्ट में उसी ब्रह्म में हम जो लीन हो जाएंगे, ये जो ज्ञान है ये भक्ति के विरोध है। लेकिन जो भगवान की जो हम सेवक है, जो भक्ति युक्त जो ज्ञान, जैसे अभी हम कथा सुन रहे, ये भी तो ज्ञान है। लेकिन ये कौन सा ज्ञान? ये तत्व ज्ञान है जो भगवत भक्ति में मदद करने वाली ये ज्ञान है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बोलिया चिते नाकर आलस जा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इसलिए जो जो तत्व ज्ञान है, जो भक्ति की जो मदद करने वाले ज्ञान, उसमें अलसता मत करो, क्योंकि उसको द्वारा प्रभु के चरण में भक्ति दृढ़ होता है। जैसे जीव तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, भक्ति तत्व हैं। अगर ये तत्व को नहीं समझोगे तो तुम्हारी तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, भक्ति नहीं कर सकते हो। इसलिए कि जो जीव ब्रह्म ही को जो ज्ञान, ये विरोध। वैराग्य, वैराग्य मतलब होता है जो शुष्क वैराग्य हो जो है। इसलिए वैराग्य भी पांच तरह का है। कितना तरह का है? क्या क्या? बोले एक फल्गु वैराग्य, एक स्मशान वैराग्य, एक मर्कट वैराग्य, एक प्रसव वैराग्य और एक जुक्त वैराग्य। हाँ, ये पांच तरह का वैराग्य। इसलिए यहाँ पर जो वैराग्य की बात बताई, ये विशेष पूर्वक ठाकुर जी के चरण में अनुराग, ये वैराग्य है। ये शुष्क वैराग्य नहीं, ये युक्त वैराग्य है। इसलिए कहते अगर ये भक्ति की ये दो बेटे हैं, अगर ये दो बेटे अगर कमजोरी हो ना, ये भक्ति रोती रहेगी, ये भक्ति रोती रहेगी। मतलब क्या? ये भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती है।
भक्ति डामाडोल रहेगी। अगर ये दो चीजें अगर तुम्हारी पुष्ट हो जाए ना, भक्ति नाच उठेगी। लेकिन ये नाचेगी कैसे, कहाँ से ये दोनों बच्चे पुष्ट हुए? भागवत। अगर ये भागवत कथा को सुनेंगे, इसलिए जिस समय उन्होंने ये भागवत कथा सुने ना, ज्ञान वैराग्य जवानी हो गई और दोनों के दोनों नाच उठे हैं। इसलिए श्री जब नारद जी बोले कोई चिंता मत करो, ठाकुर का चरण स्मरण करो, तुम्हारे दोनों बच्चे एकदम पुष्ट हो जाएंगे। बोले नारद जी, अगर मेरे दोनों बच्चों को तुमने अगर जवानी कर दिया, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ तेरे हृदय छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। हाँ, उन्होंने प्रतिज्ञा की। नारद जी उनके कानों में वेद वेदांत उपनिषद एक एक करके सब सुनाए, लेकिन तब भी उनकी चेतनता नहीं भई। लेकिन जब गीता सुनाए ना, थोड़ी आँख खोले, कोशिश किया, लेकिन जब गीता खत्म हो गया, फिर धड़ांग करके गिरी। नारद जी बोले भैया ये गीता किया है? बोले गीता सुगीता कर्तव्य कि मनई शास्त्र विस्तरई जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मम विनिर्सित। ठाकुर के मुंह से निकली गीता हैं? बोले इसको सुन करके भी उनकी ज्ञान नहीं हुई, क्योंकि गीता में वहां पर भक्ति तो है, लेकिन कहीं थोड़ी ज्ञान विसरा कर्म विसरा भक्ति भी वहां पर व्याख्या की गई। इसलिए वहां जो 18 अध्याय में 6 अध्याय में कर्म और लास्ट 6 अध्याय में ज्ञान और बीच में ये भक्ति है, हैं? उसमें भी कहीं ज्ञान मिश्रा कर्म मिश्रा भक्ति वहां पर भी है, शुद्ध भक्ति की वहां विवेचना तो है, लेकिन कहीं कहीं ये मिला हुआ। इसलिए गीता सुनकर के उनको ज्ञान नहीं हुई। नारद तो दुखी होकर के सबको पूछे, लेकिन सही कोई उत्तर नहीं दे पाए। जब चतुसेन से मिले, बोले ये भागवत कथा सुनाओ, इसी से ही उनका ज्ञान होगी। बोले आप ही कथा सुना दो। बोले कहाँ पर? बोले श्री हरिद्वार में आनंद नाम घाट पर उन्होंने ये भागवत कथा की करने का बात हुई। ये कथा सुन करके सर्वप्रथम तो वैष्णव लोग दौड़ दौड़ कर आए कथा सुनने के लिए। उसको बाद में जितने वेद वेदांत सबके सब मूर्तिमान रूप धारण करते हुए, गंगा नदी जितने सबके सब मूर्तिमान रूप लेकर के, वेद पराशर वशिष्ठ सबके सब मूर्तिमान रूप लेकर के कथा सुनने के लिए आए। जो नहीं आए, अगस्त ऋषि घर घर में गए, बोले तुमको पता चला कि नहीं? बोले क्या? बोले भागवत कथा हो रही है, चतुसन कथा कर रहे हैं, यमुना किनारे गंगा किनारा में, भैया बड़े भाग्य से कथा सुनने को मिलता है, चलो सबके सब, मतलब वहाँ सबके सब कथा सुनने के लिए आए। जब कथा सुनने जा रहे थे, इतने में भक्ति ज्ञान वैराग्य भी वहीं पर कथा सुनने के लिए आए। बोले हमें भी कहीं स्थान दो। बोले आपका स्थान है सभी का हृदय में। इसका मतलब जो कथा सुनेंगे उनका हृदय में भक्ति देवी का स्थान है। अगर किसके हृदय में भक्ति देवी बैठी गए, सबके सब आनंद में एकदम प्रफुल्ल हो गए। इतने में स्वर्ग से देवता लोग भी पुष्पों की बौछार की, शंख नगाड़ा बजाए, बजा करके बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। अरे जोर, पीछे लोग तो चुपचाप बैठे हो, देखो स्वर्ग से देवता लोग भी प्रसन्न हो रहे हैं। बोले क्यों? बोले भागवत कथा हो रही ना, इसका मतलब है कहीं अगर भागवत कथा हो ना, देवता लोग भी स्वर्ग में धुंध भी बजाते हैं और वहां से भी पारिजात पुष्प की बौछार करते हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं। जोर से एक बार बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की। बोले सदा सेव्यम सदा सेव्यम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रयेत। कहते कथा को नित्य निरंतर सुननी चाहिए, जिसको सुनने मात्र से भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते ही। जब कथा की विश्राम हुई, वहां पर स्वयं गोलक वृंदावन से प्रिया प्रियतम अपना परिकरों के साथ में प्रकट होते हैं। वहां पर नारद और श्री सुखदेव गोस्वामी उद्धव जी सब के सब प्रकट होकर के बड़े सुंदर कीर्तन करते हैं। और ये भागवत प्रभाव से वहाँ पर जितने कथा सुन रहे थे, वहाँ पर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी कथा सुन रहे थे, उनका भी भगवत गति की उनका भी प्राप्त हो गई। वो लोग भी उधार होकर के भगवत लोक में वो लोग भी चले गए। ये भागवत कथा की इतने महिमा है। बोले श्रीमद् भागवत कथा की। जब उनकी मुक्ति हो गई, जब श्री नारद जी प्रश्न करते हैं,
ये चतुसन को प्रश्न करते हैं, अगर कथा सुन करके अगर कोई प्रेत जोनी में पड़ा हुआ हो उनको मुक्ति मिलते कि नहीं। बोले भैया जब ये पशु पक्षी को भी जब भगवत गति की प्राप्त हो गई, प्रेत जोनि में पड़े हुए व्यक्ति उद्धार नहीं होगा। फिर उन्होंने गोकर्ण धुंधुकारी की कथा उन्होंने सुनाते हैं। आप लोग सबके सब गोकर्ण धुंधुकारी की कथा जानते हो, कैसे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, उनके घर में सब सुख है, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ, लेकिन घर में कोई संतान नहीं होने के नाते बड़े दुखी थे, है दुखी थे। लेकिन उन्होंने जब देखा कोई संतान नहीं हो रही, एक दिन बड़े दुखी होकर के जंगल में आत्महत्या करने के लिए गए। तब साक्षात ठाकुर जी मानो संतो रूप में ठाकुर जी आए। बोले क्यों रो रहे हो? बोले घर में कोई संतान नहीं। बोले बेटा संतान से सुखी नहीं होते हैं, सुखी होते हैं भगवान की भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करो भजन करो। बोले नहीं, हमें को ये सुखा जीवन नहीं चाहिए, हमको तो हरा भरा जीवन चाहिए। बीबी कैसे मीठी मीठी बोली बोलती हैं, बेटा कैसे तोतली तोतली बोली से पापा पापा मामा मामा बोलते हैं, संसार हरा भरा। ये संत अकेला अकेला बैठ कर हरे कृष्ण करते कोई आनंद है? भैया हमें ये सब आनंद नहीं चाहिए, हमें को तो हरा भरा जीवन चाहिए, बेटा बेटी नाती पोतियों को द्वारा। संत ने कहा मैं देख रहा हूँ तेरे ललाट में लिखा हुआ 7 जन्म तक तेरे कोई बच्चा होने वाले। बोले हे भगवान, एक जीवन में इतने कष्ट 7 जन्म तक नहीं। चरण पकड़ कर रोने लग गए, हैं रोने लग गए। तो उन्होंने समझाए, बोले सगर महाराज का नाम सुने? बोले हाँ। बोले जिनके 10,000 पुत्र थे संतान नहीं मिले। चित्रकेतु का नाम सुने? बोले हाँ। जिनकी 1 करोड़ पत्नियाँ थी, बड़े कष्ट से 1 पुत्र हुआ, भरे उनको जितने पत्नियाँ सब मार डाली तो इतने दुखी हुए, बेटा संसार में सुख नहीं, सुख तो प्रभु का भजन में, बात सुनेगा नहीं। बोले नहीं, हमको तो संतान चाहिए। बोले ले, तब पेड़ से के फल देकर लेकर के बोले इसको पत्नी को खिला देना। बोला झगड़ा नहीं करे, झूठ नहीं बोले, भगवान की गीता भागवत पढ़े, बड़ा सुंदर संतान होगा। लेकिन उसका पत्नी का नाम धुंधली। धुंधली मतलब क्या? अज्ञान है। ये कहाँ संतों का दिया हुआ वस्तु को ये कहाँ ग्रहण कर? सुंदर गोपाल को बुला दो थोड़ी सी। ये संतों को उपदेश को कहाँ ग्रहण करती हैं? उसने किया कि उसको परीक्षा करने के लिए तो गैया को खिला दिए, लेकिन उसका जो छोटी बहन थी ना, उसने आ करके बोली तेरे पति के पास में ज़्यादा पैसा, मेरे पति के पास में नहीं, कुछ पैसा दे दो और तुम ये फल को गैया को खिला दो, पेट में कपड़ा बांध कर झूठ मूठ का सोते रहो, अरे मेरे घर में बच्चा होगा ना दे जाओ। उन्होंने ऐसे कर दिया। जब उन्होंने ऐसे कर दिया, अभी तो जब हैं जब उसकी गैया, तब उन्होंने छोटी बहन के बच्चे को ले लिया। लेकिन कुछ दिन बाद में वो जो गैया बड़े दिन से जो जन्म दे नहीं रहा था, उसने बड़ा सुंदर एक बालक को जन्म दिया। कान तो गैया जैसे, शरीर पूरा इंसान जैसे। अभी सारा दुनिया देख करके आश्चर्य हुए। ठाकुर जब देते नहीं, देते नहीं, जब देते हैं ठाकुर जी छपर फाड़ करके ठाकुर देते हैं, छपर फाड़ करके देते हैं। देखो एक छोटी सी कहानी सुन लो, ठाकुर कैसे छपर फाड़ कर देते हैं। बोले एक समय 2 पति पत्नी बड़ी भजन करने वाले हैं, बड़े भजन करने वाले पति बड़े संत हैं। एक दिन वो शौच क्रिया में गए हुए थे, लेकिन जब शौच क्रिया के बाद मिट्टी हाथ करते हैं, जब उन्हें मिट्टी उठाया ना, देखा वहाँ पर एक ढक्कन सा था, वो उठा तो देखा कलसी के अंदर में सोने हीरे जवाहरात भरा पड़ा हुआ। लेकिन वो बड़े संत थे, बोले राम 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 राम, सवेरे माया के दर्शन हो गया हैं। ठाकुर जी मेरे कोई माया के द्वारा क्यों भुलाना चाहते? उसको ढक्कन को ढक कर के वापस आ गए। पत्नी को बोले जानते हो आज क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले जब मैंने शौच क्रिया के लिए गया, मिट्टी जब उठाया, देखा है कि वहाँ पर ढक्कन सा उठा और उसको देखा है कि मटकी को अंदर में हीरे जवाहरात भरा पड़ा हुआ। राम राम, सवेरे सवेरे माया के दर्शन हो गया। उसी समय कुछ चोर घर में चोरी करने के लिए आए थे, पीछे ये बात को सुन लिया। बोले बड़ा बेकूफ है, हीरे जवाहरात का कलश में छोड़ करके आ गया, अच्छा हो गया सुन गया, चलो हम जा करके ले आते हैं। लेकिन ये तो संत था ना, लेकिन वो जा करके जब उसको ढक्कन को खोला ना, देखा बिच्छू जहरीले सर्प ततया भरा पड़ा हुआ, क्योंकि संत था ना, वो दुष्ट है। बोले बड़ा दुष्ट है, वो हमें मरवाने के लिए ऐसे बोला, चलो ये मटकी को लेकर के उसको छत के ऊपर में जाकर फेंके, उसको काट कर खाए। और वो छत के ऊपर में उठे और कर्द से हैं छत को काटे, काट करके वहां से मटकी को फेंके। जब फेंके उसमें क्या था? हीरे जवाहरात से भरा पड़ा हुआ था। जब फेंके ना, मटकी टूट गई और हीरे जवाहरात से पूरा घर घर बिखर गया।
उसने कहा कहाँ मैंने छोड़ करके आ गया, तो देखो ठाकुर का इच्छा कैसे, देखो ठाकुर जब देते नहीं जब देते हैं छपर फाड़ करके देते हैं। बोले अच्छी बात है, हमने छोड़ करके आ गए थे, जब अपने आप आ गया चलो खूब रोज भंडारा करो, ठाकुर को भोग लगाओ, संतों की सेवा करो, सबको खूब सुंदर प्रसाद दो, चकाचक रोज भंडारा चल है। इसलिए सब लोग आश्चर्य हुए, जब देते नहीं ठाकुर देते नहीं, जब दिए उनको बछड़ा भी जन्म दिया, जब दोनों बालक जन्म हुए कहते गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधुकारी महा खल, जो धुंधुकारी बड़ा दुष्ट बना, किसी बच्चे को खेलते हुए देखे कुएं के पास धक्का मार कर गिरा दे, इतने दुष्ट आमी किया, सवेरे होते ही 8-10 शिकायत घर में, इधर आ जाओ। इसलिए कहते तेरे बेटा ऐसे क्या, तेरे बेटा ऐसे क्या। बोले हे भगवान संत सही बोल रहा था, बेटे से सुखी नहीं बनोगे, क्यों मैंने जोर जबरदस्ती किया, इतने मेरी बदनामी हो गई, अभी क्या करे। एक दिन तो उसने पिता को बोले पिताजी माल निकालो, कहाँ पर है, दिन भर कुत्ते को साथ में रहता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है, शराब मांस ऐसे कोई पाप कर्म नहीं जो करता नहीं। एक दिन बड़े दुखी होकर के उसने अपना गोकर्ण बेटा को पास में गए, गोकर्ण जो दिव्य ज्ञान प्रदान की, बोले पिताजी नचेंद्र से सुखम नास्ति न सुखम चक्रवर्ती न, आप सोचोगे स्वर्ग इंद्र बनने पर सुखी हो जाओगे, पूछो इंद्र को कितना सुखी है, चक्रवर्ती राजा को पूछ जाकर सुखी, पिताजी जगत में कोई सुखी नहीं, सुखम मस्ती एक व्यक्ति का सुखी है जो प्रभु की शरण में जाकर के प्रभु की भक्ति करते हैं, इसलिए ठाकुर का शरण में जाकर भक्ति करो। इसलिए पिताजी इसलिए क्या करो, असार खलु संसार दुख रोपी विमोह को सुतम कस्य पतिम कस्य, इस जगत में कौन किसका पिताजी, कोई किसी का नहीं, झूठा संसार है, माया है, देह अस्थि रुधिर है, ये जो टाटी पेशाब का ये थली अंदर में कुछ भी नहीं, ऊपर से के चमड़ा से ढका हुआ और कुछ नहीं है शरीर में, और माया जगत में जीव को नाक में नगल लगाकर नचा रहे हैं पिताजी। इसलिए टाटी पेशाब थली में मोह मत करो, इसलिए क्या करो, संतों को साथ में चरण में रह करके भगवान की कथा सुनो, भगवान की भजन करो, पिताजी सुखी बनोगे। उन्होंने सब छोड़ कर चले गए, मैया अकेली रह गई। एक दिन मैया को खूब पीटे, बोले बता पिताजी ने कहाँ पैसा रख कर गए, दारू पियूंगा शराब पियूंगा। मैया दुखी होकर के कुएं में आत्महत्या करती हैं, फिर छह बेसिया को बुला कर ले आए, कोई कपड़ा मांगती है, कोई लिपस्टिक मांगती है, कोई गहना मांगती है, राज दरबार में डाकू डाल करके लूट करके पैसा लाए। बेसिया ने देखा सवेरे होते ही सियाड़ी लग जाएगी, पकड़ गए तो जेल जाएंगे। रातारात बुरी तरह से गला में फांसी लगा करके उसकी दोनों दो हाथ को पकड़ लिए, प्यार पकड़ करके कोई जलते हुए अंगार से मुंह में ठोस ठोस करके मारे, घर में गाड़ करके चली गई, प्रेतात्मा बन गया। एक दिन जब गोकर्ण घर में आया, देखा प्रेत बनकर बैठा हुआ, बोले भैया तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दिया। बोले भैया एक बार नहीं, इतना पाप किया, 100 बार भी पिंड दे फिर मेरी मुक्ति नहीं होगी। फिर सूर्य देवता को पूछे तो बोले ये श्रीमद् भागवत कथा से मुक्ति होगी। फिर उनने सबको बुला करके 7 गांठ का बांस गांठ दिया, पहला दिन में 1 गांठ, दूसरे दिन में 2 गांठ, 7 दिन में 7 गांठ फट गई। मतलब क्या, 7 तरह का बंधन में संसार में हम बंधे हुए, और ये जगत ना भूर भुव मोह जन तप सत्य भी 7 लोग पार होना पड़ता है, और संसार में 7 तरह का बंधन है। ये बंधन से उन्हें मुक्त होकर के गोलोक वृंदावन से उनके लिए रथ आया, रथ में चतुर्भुज धारण करते हुए बैठ करके जब जा रहा था, गोकर्ण ने पूछा यहाँ पर सब लोग ने कथा सुनी, आप एक रथ क्यों लाए। बोले देखो यहाँ पर देखने के लिए तो बैठे हुए है, लेकिन ये जैसे कथा सुनी ना, ऐसे किसने भी कथा नहीं सुनी। बोले इसमें कमी क्या था, देखो कमी क्या कहते हैं, बोले इनका कमी था, बोले इनका कमी था, इन लोगों ने कोई ध्यान से ये कथा को नहीं सुने, मन से कथा नहीं सुने। श्रवण तो कृतम कितु न तथा स्मरण कृत, उन्होंने श्रवण तो किया लेकिन उसने मनन नहीं किया, और एक मन से कथा को कोई सुने नहीं, इसलिए नहीं सुनने का नाते इनके लिए रथ नहीं आया। इसलिए विश्वास गुरु वाक्य सु स्वस्मिन दिनत्व भावनम, पहला जो कथा सुनने का नियम विश्वास रखो। लेकिन कभी कभी सिनेमा में तो हमारा विश्वास हो जाता है, 3 घंटा बैठी बैठ कर पैसा देकर आग फाड़ फाड़ कर देख लेते हैं, लेकिन जब भगवान की कथा सुनना होता है ना उसमें हमारे विश्वास नहीं होता है। लेकिन पहला नंबर कहते विश्वास गुरु वाक्य सु, पहले ये शास्त्र ग्रंथ में हमारी पहले विश्वास हो,
इसलिए बोले विश्वास मिले वस्तु तरके बहु दूर। विश्वास को साथ में भगवान मिलते हैं। देखो एक छोटी सी कथा सुनो। बोले एक समय कोई एक चेला रोज नदी पार करके जाता था कथा सुनने के लिए गुरुजी का आश्रम में। एक दिन हो गया जन्माष्टमी, अभी रोज नदी पार होकर आता था, रात हो गया। बोले गुरुजी मेरे को जाना पड़ेगा। बोले बेटा रात एक बज गया, कहाँ जाओगे? बोले घर में जाऊँगा। बोले क्यों? बोले इसमें के रहस्य। बोले क्या रहस्य? बोले जब घर में जाऊँगा ना, फिर मैं सोचता हूँ दूसरे दिन गुरुजी का आश्रम में जाऊँगा, कथा सुनूंगा, सेवा करूँगा, लेकिन अगर मैं मंदिर में रहूँगा मेरे बीवी बच्चों का याद आएगी। बोले बात तो सही कह रहे हो। बोले गुरुदेव मैं जा रहा हूँ। बोले गुरुदेव जाऊँ कैसे? एक नदी पार करना पड़ता है, पार कैसे हूँ? बोले बेटा एक कागज में एक मंत्र लिख लेता हूँ, उसको अच्छे तरह से हाथ में पकड़ना, पानी को ऊपर में चलते हुए चले जाओगे। बोले ऐसे? बोले हाँ। सचमुच से देखा पानी को ऊपर चलते चलते जा रहे हैं। बोले गुरुजी क्या मंत्र दिया जो पानी को ऊपर में मैं चल रहा हूँ? करीब करीब पार हो गया था, थोड़ी दूर बाकी था। बोले दिखता तो सब कागज में है क्या चीज? जब उन्हें कागज खोल कर देखा ना, उसमें केवल लिखा हुआ था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब उन्होंने मंत्र को पढ़ा ना, बोले इतनी सी बात, हरे कृष्ण बात डूब गया अभी बात। हाँ, इसलिए कभी कभी गुरुदेव हमें तो मंत्र देते हैं, कहते हैं कोई कोई आकर के, तो गुरुदेव और कोई मंत्र है कि नहीं, ये मंत्र काम नहीं कर रहे, और कोई मंत्र हो तो दे दो। हाँ, इसलिए जो महामंत्र है महाप्रभु, बोले इसी मंत्र से ही हमारी उदाहरण। इसलिए विश्वास गुरु स्वस्मिन दिनत्व भावनम, दीनहीन होकर कथा सुनना पड़ेगा। और कथायाम निश्चला मति, निश्चल मन को एक करके मन को कथा सुनना पड़ेगा। इसे फिर दो बार सुनाए तो जितने लोग बैठे हुए थे ना, सभी के लिए रथ आया, और सबके सब रथ में बैठ करके भगवत लोगों को सबके सब गमन किया। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जो भागवत कथा प्रेत पीड़ा विमोचनी, जो जिनकी कहीं निस्तार नहीं होता है, बोले 100 बार भी गया में भगवान का चरण चिन्ह है, एक बार पिंड देने पर उधार हो जाएगा, लेकिन कहते 100 बार पिंड देने पर भी मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन मिली कैसे? बोले भागवत कथा से। इसका तात्पर्य यह है, अगर कोई एक मन से ये भागवत कथा श्रवण करे, ठाकुर जरूर अपना चरण में भक्ति प्रेम प्रदान करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो गोपाल प्रभु है ना, जिनके उद्देश्य में माता जी कह रहे हैं, देखो इनके लिए कभी अविश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर पूछो, ये जो गोपाल प्रभु थे सारे वैष्णवों का प्रिय लोग थे, ये शब्द हंसाया करते थे, और कितना उन्होंने सेवा किया है ठाकुर, कितने सेवा किया है, इसलिए कितने सेवा किया। देखो महाप्रभु का एक भक्त थे छोटा हरिदास, महाप्रभु ने उन्होंने कुछ ऐसे काम किया था जो महाप्रभु जगत को शिक्षा देने के लिए उनको त्याग दिया। उन्होंने जब प्रयाग में शरीर छोड़ा, एक दिन महाप्रभु स्नान कर रहे थे भक्तों को साथ में, सुने बड़ी सुंदर उनकी भजन आ रहा है, बड़ी सुंदर मीठी मीठी भजन आ रही। तब महाप्रभु बोले प्रभु देखो छोटा हरिदास भजन गा रहा है, उनकी सुंदर गली की बड़ी सुंदर आवाज, गली कंटा थी। बोले महाप्रभु देख कितने सुंदर भजन गा रहे। वहाँ भक्त लोग कह रहे हैं जद्य भी दिखाई पड़ा उन्होंने प्रयाग में जाकर शरीर त्याग दिया था, लेकिन केवल लोक शिक्षा के लिए उन्होंने महाप्रभु लीला की थी। उसी तरह जो दिखाई पड़ता है हमारे गोपाल प्रभु जी, शरीर त्याग क्यों दिया? कारण है उनका मन में ये भावना आई, जीवन में मैं भजन नहीं कर पा रहा, जीवन में मेरी भजन नहीं हो रहा है, भक्ति नहीं कर पा रहे। इसी भाव से, मतलब ये कितने ऊंचाई भाव है, हमारे भी भजन नहीं हो रहा है, लेकिन हम क्या शरीर त्याग दे रहे हैं? इसका मतलब वृंदावन धाम में वहाँ की राज्य प्राप्त करना, इतने वैष्णव लोग जिनको इतने प्यार प्रेम करते हैं, अभी भी उनका सब स्मरण करते हैं। आपको जयपुरवासी, आपको पता होगा कितने सुंदर कीर्तन करता था, कितना प्यारी उसका प्यारा कीर्तन था, कितना उसका सुंदर बजा बजाया करता था। कभी उनको कभी अधोगति हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं। उनको इतना जीवन तक सिद्धि प्राप्ति का था, इसलिए भगवत इच्छा से फिर उन्होंने क्या किया, ठाकुर के पास में चले गए। इसलिए इनको पर में कभी ये नहीं करनी चाहिए, नहीं शरीर त्याग दे दिया उनको ये हो गया, नहीं, कभी नहीं करनी चाहिए। वैष्णव है, हाँ, जो गुरु जी से हरिनाम दीक्षा मंत्र लिए, तिलक लगाए, भजन करे, ये भगवान की भक्त है। सारा दुनिया काल को डरता है, काल भक्तों को डरता है, काल भक्तों को डरता है, क्यों? ये हर समय प्रभु की भजन करते हैं, वैष्णव के संगत में थे, इसलिए वो जहाँ कहीं भी होंगे अगले जीवन में ज़्यादा करके भक्ति करेंगे, और वैष्णव परिवार में जन्म लेकर खूब भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। इसलिए ये हम सबको ऊपर में, ये गोपाल प्रभु हम सबको ऊपर में कृपा करें। हम हमारे सुंदर गोपाल प्रभु इधर आ जाओ।
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर ब्रह्मानंदे हरे श्री खड़े खड़े पर बोलो दर्शन कर जाओ ज्ञानंजन शलाके चक्षुर मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म तिरला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री मशील भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि करना प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपों गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि करना प्रणाम ज्ञापन करते हुए सबसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्री वो जो है ना उस तरफ में वो हो गया, अब थोड़ा इधर घूम कर बैठ जाओ। श्रीमद्भागवत में एक श्लोक आता है जिसे बताया गया है स उत्तम श्लोक महान मुखा पदाम्बो शुदा कर्ण नीले स उत्तम श्लोक महान मुख पदाम्बो शुदा कर्ण नीले समृद्धि पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानाम को योगिनाम अलम भरे। कह रहे हैं कि आप लोग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो अमृत है अगर उसको पान करना चाहते हो, सब लोग क्या चाहते हैं कि भगवान के चरणों में हमें क्या मिल जाए, स्थान मिल जाए। तो भगवान के चरणों का जो स्थान है उसका जो अमृत है भगवान के चरणों में जो पराग है, पराग समझते हो जैसे कमल होता है उसमें क्या होती है पराग होती है, तो भगवान के जो चरण है उस पे आलता लगा होता है। अगर आपने देखा हो कभी भगवान के चरणों में आलता लगा होता है और उस भगवान के चरणों की जो एक पराग है जो भगवान के चरणों का अमृत का जो अगर कोई पान करना चाहता है तो वो कहाँ से निकलता है बताया स उत्तम श्लोक महान मुख पदाम्बो शुदा कणा नीले कि जो भगवान के जो भक्त है भगवान के भक्त लोग जब कथा करते हैं उनके मुख से क्या निकलता है भगवान के चरणों का पराग और फिर वो कहाँ पे जाता है हमारे कण में जाता है। तो भगवान के भक्तों के मुख से हरि कथा सुनना ये इतना दुर्लभ है और जिसको ये सुनने का अवसर प्राप्त होता है उसका इतना सौभाग्य है कि शास्त्र बोलते हैं भगवान की जो कृपा है वो तीन प्रकार से होती है। तीन भगवान की कृपाएं हैं, कौन कौन सी बताया एतद दुर्लभम त्रयम एव एतद देव अनुग्रह हेतुकम कि भगवान कृष्ण अगर किसी पे कृपा करते हैं तो तीन वस्तु उसको प्रदान करते हैं। सबसे पहली कृपा क्या है बताया सबसे पहली कृपा है मनुष्यतम कि उसको मनुष्य शरीर दे देते हैं। तो हम सबको जो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया ये भगवान कृष्ण का कृपा हुआ या नहीं हुआ ये भगवान का कृपा। उसके बाद कईयों की कृपा यहीं तक रुक जाती है। फिर आगे क्या बताया मुमुक्षुतम दूसरी कृपा क्या है कि भगवान हमारे हृदय के अंदर ये वासना उत्पन्न कर देते हैं कि मुझे अब इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना, मैं दोबारा जन्म मृत्यु में नहीं पड़ना चाहता, किसी प्रकार से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। क्या ये भाव सबके हृदय में जागता है? सबके हृदय में नहीं जागता। जिसके हृदय में ये भाव जाग रहा है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, भक्ति मिल जाए, तो ये क्या हुआ भगवान का दूसरा कृपा हुआ। और उसके बाद भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ कृपा है वो क्या है महत पद संश्रय कि आपको एक ऐसे भक्तों का आश्रय मिल जाएगा जो महत पद यानी कि जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, जो ऐसे भगवान के उत्तम भक्त हैं उनका आश्रय मिल जाना, ये क्या हुआ भगवान का तीसरा कृपा। तो भगवान की पहली कृपा क्या हुई हमें मनुष्य शरीर दे देना, दूसरी कृपा क्या हुई कि हमारे हृदय में कौन सी वासना आ जाए कि मुझे भगवान का भक्ति करना है, और उसके बाद सबसे बड़ी कृपा कि वो वासना आने के बाद हमें क्या मिले एक सद भगवान के भक्त मिल जाए, एक सदगुरु मिल जाए। तो अगर हम लोग अपने जीवन में देखें क्या भगवान ने हमें हम पे कृपा करी या नहीं करी,
भगवान ने कृपा करी। हम बोलते हैं कि हे कृष्ण आप कैसे हो, कृपा के सागर हो। तो हमारे गुरुवर एक हुए हैं शीला प्रभुपाद, वो बोलते थे कि कृष्ण कृपा के सागर हैं। कृष्ण क्या है, करुणा सिंधु है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अमीर है तो वो अपना परिचय कैसे देगा, अपना परिचय देगा अपना ऐश्वर्य दिखा के कि देखो मेरे पास कितना बड़ा घर है, मेरे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, मैं कितना पैसा खर्च करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति बहुत आर्टिस्ट है तो वो अपना परिचय कैसे देगा, अच्छी पेंटिंग्स बना के। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा खेलने में खिलाड़ी तो वो अपना परिचय कैसे देगा, अपना खेल दिखा के। तो भगवान कृष्ण कृपामय है, तो क्या परिचय है कि भगवान कृष्ण कृपामय है। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि उनका परिचय है हमारे जीवन में एक सद्गुरु को भेज देना। हमारे जीवन में जब एक सद्गुरु आते हैं और एक श्रेष्ठ भक्त आते हैं तो इसका मतलब भगवान ने क्या परिचय दिया कि मैं क्या हूँ, कृपामय हूँ। और इसलिए गुरु को क्या बोलते हैं या वैष्णवों को क्या बोलते हैं, भगवान की कृष्ण कृपा शक्ति, कि वो उनके कृपा के ही अवतार हैं। तो हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं कि हम जिस कथा को जिस गुरु परंपरा से सुन रहे हैं, इस परंपरा के अंदर सबसे पहली बात तो हम परंपरा में जिस सुन रहे हैं, ये परंपरा में हमारे जितने भी गुरु वर्ग हैं ये सब कौन है, कृष्ण की कृपा मूर्ति हैं। और हम लोगों को भगवान ने तीनों कृपा कर दिया, मनुष्य शरीर भी दे दिया, हृदय में थोड़ी बहुत भक्ति की वासनाएं भी हैं, और हमें एक सद्गुरु की प्राप्ति भी हो चुकी है। और शास्त्र कहते हैं इतना होने के बाद भी अगर हम लोग भजन में उत्साह नहीं करते, हम लोग बस जो मिल गया यहीं पर टिक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, तो फिर हम लोग कैसे हैं। शास्त्र ने बताया कि हम लोग अपने ही आत्मा के हत्यारे हैं। तो इसलिए अभी हम लोगों को बहुत अच्छा अवसर मिला है कि 7 दिन हमें महाराज जी के श्रीमुख से भगवान की सुंदर सुंदर मधुर मधुर कथाएं सुनने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो हम लोग समझते हैं कि ये कोई गोविंद जी की कृपा ही है कि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ। और इस साल तो कोरोना था, गोविंद जी के दर्शन भी नहीं हो पाए, 8-9 महीने दर्शन बंद रहे, ना सत्संग हो पाया। तो अगर किसी को 8-9 महीने से कुछ खाने को ना मिले और एकदम कुछ खाने को मिले तो वो क्या करता है, भूखों की तरह खाना शुरू करता है। तो अभी इतने समय के बाद जो सत्संग मिला तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत उत्साह से श्रवण करना चाहिए। जैसे अभी महाराज जी उदाहरण दे रहे थे धुंधुकारी का और गोकर्ण का, तो वहां पे जो हरि कथा उसने सुना, कैसे सुना, बहुत उत्साह पूर्वक सुना। तो अगर हम लोग भगवान की कथाओं को बहुत उत्साह पूर्वक सुनते हैं, बहुत मन लगा के सुनते हैं, तो ये कथाएं कैसी हैं, ये कथाएं ऐसी हैं जो हमें यहाँ पे बैठे बैठे पता भी नहीं चलेगा, यहाँ से बैठे बैठे कथाओं को कपान करते करते शरीर भारी रूप से यहीं बैठा रहेगा, लेकिन आत्मा कहाँ पहुंच जाएगी उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसको भी भागवत में बताया, ज्ञानम प्रयासम उद्वासये नमंत एव जीवंती सन मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनो वाक मनोभिर। स्थाने स्थिता, जिस स्थान पे आप स्थित हो बस वहीं पे बैठे रहो और क्या करो, स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनो वाक मनोभिर, मन से वाणी से वचन से इन कथाओं का आदर करो। और उससे क्या होगा, ये प्रयासो जीत अपि अजीत तई त्रिलोकयाम। भगवान तो त्रिलोकी नाथ है, क्या कभी आपने सुना कि कोई भगवान को जीत सकता है। बताया कि अगर कोई भगवान की हरि कथा को स्थाने स्थिता, उसी स्थान पे जहाँ पे कथा हो रही है वहां पे बैठ के केवल कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुन लेता है, उसके सुनने से क्या होता है, अगर हम लोग कथा को बहुत श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं तो बताया कि वो भगवान को भी जीत लेता है। तो सोचो कितना बड़ा हमें अवसर मिला है कि अगर कोई इन कथाओं को अच्छी तरह सुनेगा तो वो क्या करेगा, भगवान को भी जीत लेगा। भक्ति में कितना आगे तक हमें हमारे गुरुवर लेके चले गए, एक तो हुआ कि हम भगवान के दास, और उसमें क्या हुआ कि हम भगवान को भी जीत गए। ऐसी ब्रज की कथाएं हैं, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे महाराज जी हमें सुनाएंगे, ब्रज में प्रवेश कराएंगे, दशम स्कंद तक लेके जाएंगे। हमारे गुरु जी जब यहाँ पे जयपुर में कथा करने के लिए आए थे आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व या 18 वर्ष पूर्व, तो गुरुदेव ने, यद्यपि भागवतम में तो 12 स्कंद है लेकिन गुरुजी को सबसे प्रिय था दशम स्कंद, इसलिए वो 1 से 9 स्कंद बहुत जल्दी करके सीधा दशम स्कंद पे आते थे और फिर कैसे कृष्ण की उस माधुर्य जो ब्रज की कथाएं हैं उसमें प्रवेश कराते थे, उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था। और गुरुजी ने जब यहाँ राधा गोविंद जी में कथा करी थी तो एक बारी गुरुजी, भागवत तो यद्यपि कृष्ण कथा है,
कथा करते करते गुरु जी कृष्ण को तो भूल गए और राधा जी की ही महिमा गान करने लग गए, और राधा जी की महिमा गान करते करते पूरा समय निकल गया। फिर गुरु जी बोले कि यहाँ पे तो कृष्ण हमसे नाराज हो गए होंगे, क्योंकि ये गोविंद जी का शहर है, सारे भक्त किसके हैं यहाँ पे, गोविंद के भक्त। किसी भी पूछो किसके भक्त हो, सब क्या बोलते हैं, हम तो गोविंद के भक्त हैं, या तो राधा गोविंद, कोई ये नहीं बोलता कि हम राधा जी के भक्त हैं। तो गुरु जी बोले कि यहाँ तो गोविंद का देश है और गोविंद तो मेरे से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके बारे में तो कुछ बोला नहीं, केवल किसके बारे में बोलता रहा, राधा जी के बारे में। लेकिन गुरु जी बोले कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी स्वामिनी कौन है, राधा रानी, और वो उनको मना लेंगी। तो कैसे हमारे गुरुवर्ग इस भागवत की कथा के माध्यम से हमें ब्रज में प्रवेश कराते हैं और एक ऐसी भक्ति हमें एक ऐसी भक्ति के मार्ग तक लेके चले जाते हैं जहाँ पे हम ये भी भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। तो अभी हम लोगों को कि जो इतना सुंदर अवसर मिला है गुरुदेव की कृपा से, आप इन कथाओं को सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि भूल जाओ, इनको याद रखना। और किसी भी वस्तु को स्मरण अगर आपने सुना, उसको याद कब रख सकते हो, जब आप किसी को सुनाओ। तो यहाँ पे तो आप लोग कथा के श्रोता हो, अब घर में जाके सब क्या बन जाना, कथा के वक्ता बन जाना, तब तो आपको पूरा फल मिलेगा, श्रवण का भी और कीर्तन का भी। देखो उषा दीदी वक्ता बनने के लिए जल्दी जा रही हैं, तो आप लोग भी ऐसे, ठीक है दीदी समय हो गया मैं जानता हूँ, तो आप लोगों ने भी क्या करना है, घर पे जाके कथा का वक्ता बन जाना है। इतना ही बोल के वाणी को विश्राम देता हूँ। नीता गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। प्रभुपाद के कोई शिष्य है, 5 मिनट में पता सुन लो। देखो हमारे गुरु जी कहते थे जब आप दूसरे दिन आया करो, अकेले मत आओ, कम से कम 10 मिनटों में गुरु जी कहते थे आप जिनको लेकर के आओगे उनको जो पुण्य मिलेगा उसका आधा पुण्य जो लाने वालों को मिल जाएगा। अगर 10 व्यक्ति का आओगे ना उसका आधा पुण्य आपको मिलेगा। और गुरुदेव कहते थे श्रोता कैसे बताओ, चिट्ठी जैसे, कैसे चिट्ठी जैसे, मतलब क्या, देखो जैसे रास्ता में कोई समझो कोई ट्रक में चावल व कोई चीनी जाता होगा, अब देखे ना अगर एक बकरी आएगा ना खा करके जितना पेट भर कर खाकर चला जाएगा, एक गैया आएगी जितना पेट भर कर खाना वो चला जाएगा, सब खान कर चले जाएगा। अगर चिट्ठी आ जाएगा तो क्या करेगा, मोहल्ले को ले आएगी, पूरा मोहल्ले को ले आएगा और खुद नहीं खाएगा, खाएगा तो खाएगा पूरा परिवार बुला करके ले आएगा, बोले चलो वहां पर हाँ चीनी की बोरी कितना बड़ा है। इसलिए गुरुदेव कहते थे चिट्ठी लेके बनाओ, केवल अकेले मत खाया करो, अब क्या करो पड़ोसियों को बुला करके लाओ। राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परिव्रजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्त्र श्रीमद भक्तिवेदांत सिद्धर गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में असंख्य कोटि प्रणिपाद ज्ञापन करते हुए उनका हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित आप सभी भक्तों के चरण में मेरा यथाविक दंपत प्रणाम। प्रसंग है जब अम्बरीश महाराज जी को श्राप देने के लिए श्री दुर्वासा ऋषि क्रोधित होते हुए तब उनको मारने के लिए कोशिश किया, परंतु अम्बरीश महाराज जी ने इतना सहन किया, भगवान भी रिझ गए और भगवान उनको आशीर्वाद किया और भगवान उनके प्रति रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिया। तो इस बात को देख करके अमरीश दुर्वासा ऋषि को भी समझ में आ गया। तब ठाकुर जी उनको समझाते हुए कहते हैं कि देखो दुर्वासा, ये जो भक्त है ये भक्त कैसे हैं, ये भक्त मेरे हृदय है, यदि मेरे हृदय में कोई चोट पहुँचा दे, मान लीजिए हमारे शरीर को कोई चोट आघात पहुँचा दे तो हम तो उसके प्रति क्षोभित होंगे, ठीक है, उसी प्रकार से ये भक्त मेरा ही है और मेरा भक्तवात्सल्य, अभी गुरु जी बता रहे थे ना भक्तवात्सल्य गुण जो विशेषता भगवान की किस लिए है, भक्तों के लिए ही है, यदि भगवान ना भक्त ना होते तो भगवान की किसी भी प्रकार के भक्तवात्सल्य गुण का प्रकाशित नहीं हो पाता, इसलिए साधको हृदयम मह्यम साधनम हृदयम तो हम।
मेरा हृदय वो है। इसलिए आज हमारे इतना बड़ा सौभाग्य है क्योंकि हम भागवत कथा के अंदर एक प्रभुपाद जी हमारा जो आचार्य परंपरा है उस परंपरा के अंदर जो हमारे जो मूर्तिमान एक भागवत स्वरूप है वो आज उनकी आविर्भाव तिथि है, मतलब आज इस जगत में वो हम लोक कल्याणार्थ को दिखाने के लिए आए हैं। इसलिए कहते हैं ना भागवत, भागवत मतलब भक्तानम चरित्रम यस्मात, जिसमें भक्तों की चरित्र है। अभी हम श्रवण कर रहे हैं भगवान के और भक्तों की चरित्र जो भागवत के रूप में है, तो ये भक्त आज हमारे आज के दिन में आज की तिथि को अवलंबन करके हुए आए हैं, तो दो पदों के लिए हम श्रवण करेंगे। आज जिनके आविर्भाव तिथि है वो प्रभुपाद जी के श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के पार्षद हैं, जिनका नाम है भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज। ये महाराज इतने बड़े संत हुए हैं, अभी 7 दिन पहले 6 दिन पहले इनका तिरुभाव तिथि गया है, जो कि वेदों में और शास्त्र में कहते ना कि न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानम च विद्यते विष्णु अनुचरत्वम ही मोक्षर माहो मनीषिण। गीता में भगवान अर्जुन को उपदेश कह रहे हैं कि ये जो वैष्णव है ना, जैसे मैं हूँ, मैं भी जैसे आने के लिए मेरे को कोई जन्म कर्म बंधन नहीं है, मैं किसी मर्यादा में बंधा नहीं हूँ या किसी कर्म बंधन मेरे को घेर नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार के मेरे भक्त भी है। भक्त जब भी चाहते हैं, जब भी आविर्भाव होता है उनका आविर्भाव होता है, और जब चाहते हैं वो मर जाते हैं, मतलब अप्रकट लीला करते हैं, मरते तो नहीं अप्रकट लीला करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो भक्त है भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी, इन्होंने स्वयं अपने की अपना चरित्र से इस प्रकार के अलौकिकता को उन्होंने प्रकाशित किया। उन्होंने खुद ही बोला है कि जिस समय मैं आविर्भाव होऊंगा ठीक 5-6 दिन पहले ही मैं अप्रकट लीला करूंगा, तो 5-7 दिन पहले ही हमने उनकी अप्रकट लीला को पालन किया था। महाराज जी के सुंदर उपदेश है, भगवान की भक्ति करने के लिए महाप्रभु सबसे पहला उपदेश देते हैं, क्या करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, त्रिणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुन अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। वो कीर्तनीय मतलब कीर्तन करने योग्य तब होगा जब ये चारों गुण से विभूषित होगा, क्या त्रिणादपि सुनिचेन, घास से भी तिनके से भी और हीन खुद को बनाना पड़ेगा, और अमानीन मान त्रिणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुन, वृक्ष से पेड़ से भी और अधिक वृक्षात अपि और भी ज्यादा सहिष्णु बनना पड़ेगा, और अमाने कभी मान की अपेक्षा नहीं रखते हुए दूसरों को मान देते हुए जब वो हरिनाम करेगा वो उसके कीर्तनीय होगा, मतलब वो कीर्तन विधेय होगा। तब इस बात से महाराज जी एक सुंदर सिद्धांत प्रतिपादन करते थे जो मैंने सुंदर गोपाल प्रभु से ही सुना था, बहुत साल पहले सुना था, तो मेरे को वो इतना अच्छा लगा था कि मैं आज भी हृदय पटल पे बहुत भाषित है। किस प्रकार वो कहते थे कि त्रिणादपि तो बनना है, मतलब अपने को छोटा बनाना तो है ही, परंतु इतना ऐसा बनाना है, अभी हम कौन है, साधक है, हमें कोई व्यक्ति दो पद बातें गाली देता है तो हमारे मन में वो बैठ जाता है, तो इससे क्या होता है कि फर्क पड़ता है। तो त्रिणादपि तो बनना है, परंतु कैसे बनना है कि क्रमशः धीरे धीरे भगवान के नाम से जबरदस्ती अथवा बुद्धिपूर्वक नहीं, यानी कि वो भी हम उसके सामने जाएंगे वो हमें मारेगा या 10 बातें सुनाएगा, इसलिए हम जबरदस्ती उसके सामने जा करके अपने को क्या करते हैं वहां पे खड़ा हो जाते हैं, हम वो हमें 10 बातें सुनाते हैं, कहते नहीं। इसमें क्या होता है ना, जब हम भजन करने के लिए वापस घर में आते हैं और हरिनाम माला को पकड़ते हैं तब क्या होता है, हमारा मन क्षोभित रहता है, मन उद्वेग्न रहता है, तो उद्वेग्न मन में कभी भी भगवत भजन संभव नहीं होता। इसलिए महाराज जी ये कहते थे कि इसी प्रकार की साधन उपयोगी ढंग प्रदर्शन करते हुए अपने को भजन को रक्षा करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है कि हमारा मन क्या होता है ना, हम सोच लेते हैं कि हमें त्रिणादपि बनना है, किसी को जाकर के जो हमारे बहुत निंदा करता हो उसके सामने खड़े हो जाएंगे, वो 10 बातें सुनेंगे, इस प्रकार नहीं है। महाराज जी दूसरी बात कहते हैं कि साधुओं के महिमा किस प्रकार उन्होंने दिखाया। देखो ये जो भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज थे, ये केवल भगवत कथा के वाचक नहीं थे, अपितु इनका संपूर्ण स्वरूप जो था वो भगवत भक्तिमय था। कुछ दिन पहले गुरुजी कथा सुनाया करते थे, गुरुजी उनके साक्षात संग प्राप्त किए थे, इसीलिए गुरुजी उन्हें अपने स्मृति पटल पे जब ये बात आई गुरुजी बताते थे, एक समय उन्होंने राधा कुंड पे बैठ करके, हमारी परिक्रमा जाती है ना, जब ब्रजमंडल परिक्रमा जाती है
तो किस दिन राधाकुंड में पहुंचा। राधाकुंड में जब सब लोगों ने, सब भक्तों ने उनको, महाराज जी को निवेदन किया कि आप दो शब्द राधा रानी के बारे में बताइए, घंटा बीत गया, डेढ़ घंटा बीत गया, महाराज आंखें बंद करके इतने तन्मयता, इतना अभिष्टता के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, भगवत कथा को वो क्या कर रहे, विलोपित कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि समय काल अप्रमत्त होता है, काल तो किसी को अपेक्षा नहीं करता, जैसे काल जाता है। अब इन्होंने सबने देखा कि भैया और भी परिक्रमा स्थली है जहाँ पे जाना है, तो महाराज जी की जल्दी जल्दी कथा को मतलब समाप्त कराए। तो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी जो थे, उन्होंने उनको थोड़ा सा मतलब इंगित किया कि महाराज जी समय होने चला है, आप थोड़ा कथा को और शॉर्ट में बता दीजिए। तो महाराज जी बड़े दुखी होकर के, क्योंकि कथा में अविष्ट था, इसीलिए ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीतो मनसो नहं तिक्षामितं नरो। ये मैंने गुरु जी के जीवन में देखा, ब्रह्मा जी को जो बात भगवान कह रहे हैं ना, मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा को सुबह से शाम तक वाचन करता है, मत कथा श्रवणे रतम, मेरे कथा को जो नित्य निरंतर कालों के माध्यम से हृदय रसातल के अंदर वो डालता रहता है, मत कथा प्रीतो मनसो, मेरी कथा के प्रति जिसकी प्रीति है, यानी कि केवल बोलने में या सुनने में नहीं, उभय पक्ष में जिसकी रुचि कथा के प्रति है, ऐसा व्यक्ति को मैंने कभी नहीं त्याग करता। मूर्तिमान स्वरूप हमने भक्ति जी में राधा गोस्वामी महाराज जी को देखा है कि किस प्रकार को कथा बोलते बोलते अविष्टता के माध्यम से नित्य लीला के दर्शन कर लेते थे। तो यही महाराज जी एक बात कहते थे, एक समय एक व्यक्ति आया, बोला महाराज जी मेरा ये कुछ कोई, जैसे हम लोग आते हैं ना पहले पहले जुड़ते हैं, तो हमारे कुछ भी छोटी मोटी कुछ चीज लेकर के हम संतों के पास आ जाते हैं। तो एक व्यक्ति आया, उस समय महाराज जी खड़गपुर में थे, ये बात भी मैंने सुंदर से ही सुना था। तो उसका हाथ कटा हुआ था, थोड़ा सा उंगली कट गई थी, तो अब इतने में वो आया कि महाराज मेरा तो ये उंगली कटी हुई है, अब ठीक नहीं हो रहा है, और कल ही डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि मेरी ये उंगली ना बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, मेरे को पूरी की पूरी उंगली काटनी पड़ेगी, थोड़ा सा ही कटा हुआ था। तो महाराज ने बोला कि देखो ये सब कुछ प्रारब्ध कर्म है या फिर अपना कर्म है, इस समय जो क्रियमाण कर्म है वही है, या तो प्रारब्ध या तो क्रियमाण कर्म है, तो इसको क्या करो, जब तक ये नहीं कटेगा तब तक तुम्हारे तुम्हें तो ये भोगतना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि महाराज जी ये मैं कैसे जानूं मेरे किस किसी की हुआ है, ये मेरे को ये दुख क्यों भुगतना पड़ रहा है। तो महाराज जी देखो तुम त्रिकाल दृष्टा थे, महाराज जी बोले कि तुम्हारे संत के प्रति अपराध हुआ है, और थोड़ी सी अपराधी हुआ है, परंतु तुम्हें इस प्रकार की कठिनाई भुगतनी पड़ेगी अपने जीवन में। तो उसने बोला कि डॉक्टर तो मेरे को मेरा कल उंगली काटनी पड़ेगी, अब इस समय मैं क्या करूं। तब महाराज जी कहते हैं देखो उस संत के पास तुम जाओ और उनके जाकर के क्षमा याचना करो, निश्चित रूप से किसी ना किसी रूप में तुम्हारी प्रतिकार होगी। तो उन्होंने बोला कि महाराज निश्चित रूप से मेरे संत के प्रति अपराध तो हुआ था, परंतु दुर्भाग्य से आज मैं अपना क्षमा प्रार्थना करने के लिए उस संत के पास नहीं जा सकता। बोले क्यों, क्योंकि वो अभी शरीर छोड़ चुके हैं। बोले वो जिस स्थान पे उनको मतलब वो किया गया है, दाह संस्कार किया गया हो, उस स्थान पे जाओ, रो रो करके माफी मांगो, और माफी मांगने के साथ ही साथ तुम्हें निश्चित रूप से किसी न किसी शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो वो व्यक्ति जो था वो उस शमशान घाट पे गया, और वही शमशान घाट पे वो जिस संत के प्रति अपराध किया था उनको बार बार मतलब हृदय के अंदर जो अनुताप की अग्नि जलाते हुए उसने आशीर्वाद किया और महाराज जी को प्रार्थना किया, संतों को क्षमा मांगा। तभी अगले दिन जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि देखो कुछ समय तक तुम्हारे ये उंगली इस प्रकार रहेंगे, परंतु अभी ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि तुम्हें इसको काटना पड़ेगा। तो निश्चित प्रकार से हम जब संतों के पास जाते हैं ना, हमारे कर्म अकर्म विकर्म सबकी समीकरण संतों के पास रहता है, और हमारे जो भगवत दर्शन और अभिप्राय जो होता है भक्ति के, भगवत प्रेम के प्रति, उसके भी मार्ग को वो क्या करते हैं, प्रशस्त करते हैं। तो महाराज जी बहुत जीवन आदर्श है, किसी समय हमें स्वयं मिलेगा तो हम गुरु जी के मुखारे से श्रवण करेंगे। यही कहकर के वाणी को विराम देता हूँ। पास विश्राम देने के लिए फिर आप लोग अपना टाइम से अपना घर का काम काज भी कर सकते।
और कल एक एक भक्त 10-10 भक्त को मिलेंगे आपको। आरती देखना है ना। बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे Thank you.
राधे गोरे